ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे अंधकार बस तब तक ही है अंधकार बस तब तक ही है जब तक है दिन मान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी गुरु मन की पीड़ा हर ले पीड़ा हर लेते
बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, हम सबके जीवन में गुरु की अनिवार्य आवश्यकता, और हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता भी इस बात को बारंबार दोहराती रही है कि बिना गुरु के हमारे जीवन का कोई लक्ष्य, कोई उपदेश, कोई प्रयोजन ही दिखाई नहीं देता। आइए इसी संवेदनशील, इसी श्रेष्ठ संवेदना भरे भजन के साथ हम अपनी इस विशेष विचार संगोष्ठी, समस्याएं आज की समाधान कल के, इस संगोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे सम्मानीय अतिथियों से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय लाहुटी जी, श्रद्धेय हमारी बहन ज्ञान सुधा मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन और देव पूजन कर आज की इस विचार संगोष्ठी का शुभारंभ करें। सभी हमारे भाई जो भी उपस्थित हैं, वंदना के क्रम में सभी हाथ जोड़ लें, अपने स्थान पर ही भगवान की दिव्य चेतना का ध्यान करें। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का क्रम संपन्न होगा। हम निवेदन करेंगे हमारे अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर आज की इस ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करें। पूजन का क्रम संपन्न हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का वंदन पूजन हमारे सम्माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। आप सबसे भी प्रार्थना, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति मनोभाव उसमें जोड़ने का कष्ट करें। ओम यथा सूर्यस्य कांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। और अब सम्मानीय अतिथियों से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एक छोटी सी परंपरा, औपचारिक परंपरा प्रारंभ होगी। आइए मैं इस छोटी सी औपचारिक परंपरा में स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम यहाँ आमंत्रित करता हूँ हमारे गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के प्रभारी माननीय प्रदीप दीक्षित जी, कृपया यहाँ पधारें और हमारे सम्मानीय अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। रमेश चंद लाहुटी जी का स्वागत माननीय प्रदीप दीक्षित जी मंच पर कर रहे हैं। क्रम में राजेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। पुष्पगुच्छ से स्वागत आदरणीय। हमारी बहन श्रीमती भगवती वशिष्ठ यहाँ कहीं भी पधारें, और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें।
जितेंद्र जी से निवेदन कि वो हमारे बीच माननीय हमारे न्यायमूर्ति माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने करें। तदुपरांत श्री अशोक सिंह जी हमारे बीच पधारें और शांतिकुंज से पधारे हमारे टोली के नायक माननीय सूरज प्रसाद जी शुक्ला जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने कष्ट करें। इसके उपरांत भाई इंद्रपाल आर्य जी, डॉक्टर इंद्रपाल आर्य, श्री एन के शर्मा हमारे टोली के अतिथियों का और हमारे उद्गाता बंधुओं का अभिनंदन स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से। हमारे उद्गाता बंधुओं का मंच पर स्वागत करने कष्ट करें। सोमदत्त गिरी जी, श्री प्रोफेसर आर डी शर्मा जी, श्री रामकृष्ण शर्मा जी, शीघ्रता से आते जाएं हमारे उद्गाता बंधुओं का स्वागत करने। श्रीमती भगवती वशिष्ठ, श्री राजेंद्र कृष्णभक्त जी, श्री भास्कर अग्निहोत्री जी उद्गाता बंधुओं के स्वागत के लिए, शांतिकुंज के उद्गाता बंधुओं का स्वागत। और इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब से कि हमारे मंच पर आसीन हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को गायत्री मंत्र का दुपट्टा भेंट कर सम्मानित करने कष्ट करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय लाहौटी जी का गायत्री मंत्र दुपट्टा स्वागत कर रहे हैं। तदुपरांत हमारे बीच न्यायमूर्ति माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी का स्वागत डॉक्टर के द्वारा। और इसके साथ ही एक और विशिष्ट प्रयोजन इस आयोजन पर इस विचार संगोष्ठी के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारिका क्रांति दूत जिसका विमोचन किया जाना है। मैं श्रद्धेय हमारे आदरणीय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि स्मारिका का विमोचन हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के करकमलों से कराने का कष्ट करें। यह विशेष क्रांति दूत पत्रिका स्मारिका आज इस अवसर पर इसका विमोचन किया जा रहा है। गुरुदेव के विचारों विशेष तौर से क्रांति धर्मी विचारों को समाहित किए हुए यह विशिष्ट पत्रिका का विमोचन यहाँ संपन्न हो रहा है। क्रांति का संदेश देती हुई ये क्रांति दूत पत्रिका स्मारिका का विमोचन और इसके उपरांत मैं पुनः हमारे उद्गाता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि एक विशेष प्रज्ञा गीत महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं। निश्चय ही एक अद्भुत संदेश है इसमें हम सबके लिए कि इन दिनों हम सबको क्या विचार करना चाहिए, किस दृष्टि से सोचना चाहिए और कौन कौन से अभियान हाथ में लेकर इस महान युग निर्माण आंदोलन में सहभागी बनना चाहिए। आग्रह विशेष हमारे उद्गाता बंधुओं से महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं। आइए एक बार जरा जोर से जयघोष करेंगे, दोनों हाथ जरा ऊपर उठा दिए, बोलो युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की, महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, यह परिवर्तन की साथ हो जाए।
प्राण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कीटांडव नर्तल। विकृतियों की छाती पर हो रहा कीटांडव नर्तल। अब अनित अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनित अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाएं। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाएं। यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। बोलो विवादिपति महाकाल की। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। महाकाल धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। महाकाल के कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाए। पाप वृत्तियों परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए। महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की। महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं। निश्चय ही विचार संगोष्ठी का भी कुछ ऐसा ही भाव है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्याम शर्माजी आचार्य द्वारा रचित विपुल साहित्य और संपूर्ण विश्व वसुधा के लिए विकास और कल्याण के लिए उनका निरंतर चिंतन हम सबके बीच में एक महान साहित्य के रूप में उपस्थित है, प्रस्तुत है। इसी श्रृंखला को श्रद्धेय डॉक्टर साहब सदा सदा से आगे बढ़ाते रहे हैं और अब समय है एक ऐसी प्रस्तुति का जिसमें इस विचार संगोष्ठी की थीम को प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, अखंड ज्योति जैसी वैज्ञानिक अध्यात्म को प्रतिपादित करने वाली मासिक पत्रिका के संपादक,
स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अध्यक्ष, और इन दिनों जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी महोत्सव, उसके संयोजक निश्चय ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच में विगत लंबे समय से सारे देश को गति प्रदान करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में सक्रिय हैं। उनकी चेतना परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़कर हम सबके बीच उनके दिव्य विचारों को पहुंचाने में सदा प्रयत्नशील रही है। मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज की विचार संगोष्ठी की थीम उसकी विवेचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जोरदार करतल ध्वनि से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत। हमारे आज के अतिथिगण, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस लाहोटी साहब, हमारे इस सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग जज जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, और यहाँ बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मैं आपके बीच में थोड़ी देर के लिए आया हूँ और केवल आज की थीम आपके सामने रखने के लिए। इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है समस्याएं आज की, समाधान कल के। कई लोगों को लगता है कि समस्याएं जब आज हैं तो समाधान कल क्यों। परम पूज्य गुरुदेव ने क्रांति धर्मी साहित्य में लिखा कि समय के साथ ही सारी चीजों का समाधान होता है, इसलिए हम उनकी इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक मूवमेंट खड़ा किया और विचार को जन जन के बीच में, एक विचार को जन जन के बीच में स्थापित करने की कोशिश की कि युग परिवर्तन संभव है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। आशावाद के प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे गुरु जिनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इस साल, और एक संयोग के कल उनका जन्म दिवस है, शरीर से 100वां जन्म दिवस, जिसे हम कल अमलखेड़ा उनके गांव में, आगरा के पास उनके गांव में मनाएंगे। और उन्होंने कभी अपने शरीर से जन्म को इतना महत्व नहीं दिया, फिर भी चूंकि ये अश्विन कृष्ण त्रयोदशी उनकी तिथि के हिसाब से जन्म है, इसलिए उसको जन्म को मनाने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप सब लोग, जिनमें बहुत सारे हो सकता है नए लोग हों, उनको जानकारी हो सके कि आचार्य श्री राम शर्मा कौन थे और किस तरह से हमें उनके बारे में समझना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विभिन्न रूप, एक साधक, एक संगठक, एक पिता, एक इतने बड़े संगठन के अभिभावक, संरक्षक, 3200 किताबों के लेखक, कैसे कोई एक आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है, समझने की कोशिश करें। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति से समग्र क्रांति के युग प्रणेता, ये जो आप देख रहे हैं पीछे पर्चे, इस पर्चे के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करें। 1911 में जन्म लेकर के 1990 में उन्होंने अपने शरीर छोड़ा। मुझे सौभाग्य मिला उनके आखिरी अंतिम क्षणों में, अंतिम वर्षों के 12 वर्ष मैंने उनके साथ बिताए हैं बहुत नज़दीक से, यहाँ तक कि कई अंतिम 4-5 साल, 6-7 साल तो 24 घंटे उनके साथ बिताने का मौका मिला। मैंने उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, और उनके अंदर मैंने, मुझे एक युग प्रवर्तक मिला, एक थॉट ट्रांसफॉर्मर, जो कि आने वाले दिनों में जो भविष्य बनने जा रहा है उसकी रूपरेखा लिखने जा रहा है, और वही उनका एक स्वरूप था, नैतिक क्रांति, विचार क्रांति। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के युग प्रबोधक, उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाने की कोशिश की। ये इतना इम्पॉसिबल फेट था कि उसको उस जमाने में कहना एक बड़ा मुश्किल काम था, परंतु जिस काम को स्वामी विवेकानंद कह गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम आचार्य श्री ने किया। प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सृजन क्रांति के युग पुरोधा, उनका नाम श्रीराम मत रखा गया जब वो आगरा जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में 3 साल तक सक्रिय रहे। युग निर्माण योजना के सूत्रधार, युग दृष्टा आचार्य श्रीराम शर्मा। भारतीय संस्कृति को नया स्वरूप देने वाले संस्कृति पुरुष, संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आज जिंदा बनाए रखने का बहुत बड़ा श्रेय आचार्य श्री को जाता है। आज अगर घर घर में यज्ञ है, घर घर में खान पान की शैली बदली है, और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है, संस्कार आए हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा श्रेय हम आचार्य श्री को देते हैं।
21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोषक युग ऋषि, 21st सेंचुरी ब्राइट फ्यूचर, ये आज की परिस्थितियों को देख के कोई कह नहीं सकता था, परंतु उन्होंने कहा और उसके लिए उन्होंने साकार योजना दी और ऐसा करके दिखाया। 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक युग मनीषी, गायत्री महाविद्या के पुनरुद्धारक युग विश्वामित्र, गायत्री महाविद्या अगर वो ना आते तो लुप्त हो गई होती, उन्होंने उसको जिंदा बनाए रखा। और यही नहीं बल्कि ये कहा जो गायत्री को जपेगा वो ब्राह्मण बन सकता है। गायत्री आज घर घर में जपी जा रही है, घर घर बोली जा रही है। अभी 2-3 महीने पहले गुरु पूर्णिमा पर हम लोगों ने हमारी स्वर साम्राज्ञी, हमारी सबकी आराध्य और हम सबके लिए एक ये कहा जाए कि बहुत बड़ा भारत के लिए एक वरदान, सुश्री लता मंगेशकर के द्वारा गाए हुआ गायत्री मंत्र का हमने सीडी रिलीज की। ये उन्होंने अपनी आहुति परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर दी है। आज वो गायत्री मंत्र का उनका जो सीडी है वो सारे भारत में, सारे विश्व में गाई जा रही है, सारे विश्व में सुनाई जा रही है, लोगों के द्वारा सुनी जा रही है। ये एक आंदोलन है। आज गायत्री के बारे में ये नहीं कहा जाता कि इसको जोर से नहीं बोलना, कान में नहीं सुनना, केवल कान में सुनना है, जोर से नहीं बोलना, नारियों को नहीं कहना। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, आचार्य श्री ने कहा है, इसलिए कोई जो ऐसे महापुरुष आते हैं जो कहते हैं वो वेद वाक्य बन जाता है। यज्ञ विज्ञान को जनसुलभ बनाने वाले युग याज्ञवल, किसी जमाने में यज्ञ बड़ा कॉस्टली था, बड़ा महंगा था, कराने में बहुत पैसा खर्च हो जाता था, आदमी का कर्जे से पड़ जाता था, परंतु अब यज्ञ इतना सस्ता गायत्री परिवार ने हर एक के लिए चीप कर दिया। 4 वेद, 108 उपनिषद, षट दर्शन के भाष्यकार युग व्यास, बर्थ प्लेस आमलखेड़ा, जैसा मैंने बताया आगरा से जलेसर की ओर एटा की ओर रोड जाती है, उसी रोड पर 24 किलोमीटर दूर उनका ये स्थान है। बहुत सुंदर एक वहाँ स्मारक बनने जा रहा है जिसका हम लोग अगले साल उसका उद्घाटन करेंगे। बर्थ 20 सितंबर 1911 अश्विन कृष्ण त्रयोदशी आवलखेड़ा, पंडित रूप किशोर शर्मा जी भागवत के बड़े एक लर्निड विद्वान थे, उनके पिताजी, उनकी माता दान कुमारी देवी, उनके यहाँ जन्म हुआ। बचपन से ही प्यार संवेदना से भरे हुए, एक उस जमाने में किसी अछूत महिला की सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, परंतु 12 साल के एक बालक ने वो सेवा की। जितने भी सामाजिक उस जमाने में रीति रिवाज थे उनका विरोध किया, और निश्चित रूप से उस जमाने से ही उनके जैसे पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ऐसे नजर आने लगे थे। उनका यज्ञोपवीत महामाना मदन मोहन मालवीय जी ने किया। उन्होंने कहा कि गायत्री साक्षात कामधेनु है जो आदमी को ब्राह्मण बना देती है। ये एक वाक्य उनके जीवन में घर कर गया। 12 साल की उम्र में पहले गुरु का आगमन महामना मदन मोहन मालवीय, 15 साल की उम्र में दूसरे गुरु का आगमन हिमालय से, तो एक सूक्ष्म परोपकारी जिसने कि एक प्रकार से अपने इथरियल फॉर्म में एक आदर्श शक्ति शक्ति के रूप में आकर के हम सबके दादा गुरु कहलाते हैं। और सर्वेश्वरानंद जी, उन्होंने उनके 3 जीवन की झांकी कराई, संत कबीर के रूप में, समर्थ गुरु रामदास के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के रूप में। उन्होंने उनसे कहा 24 महापुरुष चरण गायत्री मंत्र के करो, 24 लाख प्रत्येक 24 साल में, 8000 रेसिटेशन पर डे। आप कल्पना कीजिए 8 घंटे प्रतिदिन कंटिन्यूस माला करनी पड़े, कितना एक कठिन पुरुषार्थ, परंतु उन्होंने किया और 24 साल तक किया। 24 साल तक नहीं, 27 साल तक किया। 3 साल अतिरिक्त इसलिए लगे क्योंकि वो जेल में रहे 3 साल स्वतंत्र संग्राम में। और उसके साथ साथ सात्विक भोजन, जौ की रोटी, करीब 1 सेर जौ खिलाई जाए गाय को, आधा सेर जो निकल के आती है बाहर उसको पीस करके उससे जो छोटी छोटी रोटियां बनी उसी को 24 घंटे में जितना ले सके उतना ले लिया, मट्ठे में घोल करके, बस यही उनका आहार 24 साल तक। गुरुदेव कहते थे कि मैंने अपने स्वाद को मारा है, मैंने ऐसी कठोर तपश्चर्या की है कि दधीची की तरह से मैंने तपश्चर्या करके अपने को वज्र की तरह से बनाया है अपने शरीर को। इसी वजह से मथुरा जैसी पंडों की नगरी और हरिद्वार जैसे हमारे वो भी महापंडों की नगरी, उसमें वो स्थापित हुए और उन्होंने जाके सारे भारत में एक भारतीय संस्कृति को एक नया विज्ञान सम्मत रूप दिया। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ उनका। अखंड दीपक उन्होंने 1926 में जलाया जिसमें से गुरुदेव के गुरुदेव प्रकट हुए थे, और ये अखंड ज्योति पत्रिका जो प्रकाशित हुई उसने उनके अखंड दीपक की ज्योति को आगे बढ़ाया। एक्टिव फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने भाग लिया 1927-1933 तक, अलग अलग समय में, टोटल मिला के 3 साल। आसनसोल जेल में फ्रीडम फाइटर्स स्वरूपरानी मेहरू, रफी अहमद किदवई, मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी इनके साथ रहे, और उन्होंने मालवीय जी ने एक सूत्र दिया कि अगर कांग्रेस हर एक के साथ
एक सूत्र रखेगी, एक 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 आना हर एक को इकट्ठा करना है, तो हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों की कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेसियों ने तो उस राय को नहीं सुना, परंतु इस राय को हमारे आचार्य श्रीराम शर्मा जी, जो मुश्किल से उस जमाने में 17-18 साल के थे, उन्होंने इस राय को अच्छी तरह से जीवन में उतार लिया और 10 पैसा प्रतिदिन, 1 रुपया प्रतिदिन, आज 5 रुपया प्रतिदिन इकट्ठा करने वाले लाखों करोड़ों व्यक्तियों की सेना बना दी और अंशदान और समयदान से इतना बड़ा साधन खड़ा कर दिया जिससे कि आज इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं। मित्रों, ये मुट्ठी फंड के माध्यम से इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है, उसका एक रेयर नमूना है। अरविंद आश्रम गए पांडिचेरी, शांति निकेतन गए कलकत्ता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने, और साबरमती आश्रम गए अहमदाबाद महात्मा गांधी से मिलने, और उसके पश्चात आके उन्होंने एक जो विचार दिया कि बेसिक कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन टुडे सोसाइटी इज रॉन्ग थिंकिंग, जेलसी, ईगो, ग्रीड, लेग पुलिंग, सेल्फिशनेस, फॉल्सहुड, ये सब जितनी भी परेशानियां हैं, उन्होंने कहा इन सब का एक ही कारण है, दुश्चिंतन, दुर्मति जन्य दुर्गति। आज हमारी जो हो रही है उसका मूल कारण है कि मनुष्य अपने विचार करने के तरीके को गड़बड़ा दिया उसने, इसी तरह से जीवन शैली गड़बड़ा गई। तो बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन टुडे सोसाइटी जो आज का थीम है हमारा टॉपिक, समस्या अनेक समाधान एक, या आज की समस्याएं कल के समाधान, रॉन्ग थिंकिंग, और रॉन्ग थिंकिंग से हम कैसे रेमेडी क्या है, थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति, विचार परिवर्तन, कर्टियस बने आदमी, ऑनेस्ट बने, दूसरों की मदद करे, दूसरों का सम्मान करे, सत्यवादी बने और प्रसन्न रहे। पूछा जाता है उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए क्या करना होगा, यदि प्रश्न का सही उत्तर अपेक्षित हो तो एक ही हो सकता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। आपकी नजरें बदलने की भर की देर है तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, गुरुदेव ने इस सिद्धांत को जीवन में उतारा। मनुष्य में देवत्व का उदय, डिविनिटी, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, हेवनली एटमोस्फियर ऑन द अर्थ, कैसे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये उन्होंने एक प्रोसेस बनाई, मैन मेकिंग, फैमिली मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग प्रोसेस। टेक्नोलॉजी, उपासना, साधना, आराधना, उपासना के माध्यम से अपने परमात्मा की को जीवन में उतारने की प्रार्थना। जब गर्मी के पास बैठ के हम गर्म हो सकते हैं, ठंडक के पास बैठ के हम ठंडे हो सकते हैं, तो हम उपासना के द्वारा परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा के जैसे 0.1% क्यों नहीं बनते। हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति उपासना करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, पर भगवान जैसे क्यों नहीं बनते। थोड़ा सा भी उदारता का अंश क्यों नहीं आता। जब मौका आता है तो अपनी बहू को जलाने में कोई जरा भी शर्म नहीं आती, संकोच नहीं आती, संभाव संवेदना न जाने कहां चली जाती। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के अंश को अपने जीवन में उतारना। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, संयम, चारों प्रकार के संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। और आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। कोई भी उपासना आपकी फलेगी नहीं यदि आपने आराधना नहीं की है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम सबको समझ में आना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे गुरुदेव ने जो एक सबसे बड़ी जो बात कही है वो ये कहा है कि अखंड ज्योति मैगजीन के माध्यम से मैं विचारों का परिवर्तन करने आया हूँ। फर्स्ट बुक उन्होंने लिखी व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, ट्रांसलेटेड एंटायर वैदिक वांग्मय, रोट मोर देन 3000 बुक्स। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इतना बड़ा काम मुझे नहीं लगता मित्रों कि किसी एक महापुरुष के द्वारा अकेले लिखा गया, और कोई स्टेनो नहीं, कुछ नहीं, सब खुद लिखते थे, सारा का सारा स्वयं का लिखा हुआ, क्रांति धर्मी साहित्य से लेकर सब कुछ। समस्त जीवन के अनुभव का निचोड़ उन्होंने अंत में 1988-89 और 90 में लिखा। जीवन का चरम पुरुषार्थ और अंतिम समय उनका, जबकि उन्होंने अपने आप को पहले से 5 साल पहले घोषित कर दिया था कि मैं 80 साल की उम्र में अपनी चेतना को सिकोड़ लूंगा, उस समय उन्होंने अपने जीवन का अंतिम निचोड़ लिखा और कहा मेरे सारे साहित्य को एक तराजू के पलड़े पर रख देना और दूसरे पलड़े पर मेरा ये क्रांति धर्मी साहित्य, 22 किताबें टोटल, छोटी छोटी पुस्तकें समाज को नई दिशा देती हैं, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को साकार करने का सरंजाम जुटाती हैं। आपको समय मिले तो कभी इन किताबों का एक एक पन्ना पढ़ने की कोशिश करना, आपको लगेगा इनमें हजारों लाखों सॉल्यूशंस छिपे पड़े हैं। आज सारे देश में अवेयरनेस है, जागृति है, अन्ना हजारे का आंदोलन पूरे देश में फैला है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मुझे समाचार मिला कि वहां भी जागरूकता फैली है। पाकिस्तान के लोग आके अन्ना हजारे से मिलकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आंदोलन चालू कीजिए। ये प्रेरणा कहाँ से आई है? ये प्रेरणा आई है आचार्य श्री के साहित्य से, यहां से साहित्य से उनको प्रेरणा मिली है, अन्ना हजारे ने एक्सेप्ट किया है इसको अपने मुंह से। ये छोटी छोटी किताबें हैं, मैं थोड़ा सा आपको दृष्टि दिखा रहा हूं। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, सत्युग की वापसी, परिवर्तन के महान क्षण, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, 21वीं सदी का गंगा अवतरण, ये किताबें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई हैं। गुरुदेव ने इन किताबों में लिखा है प्रत्यक्षवाद ने आदर्शों पर से आस्थाएं बुरी तरह डगमगा दी है,
इस बात को आज हम करेंगे। हम जस्टिस लाहौटी साहब से, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा से सुनेंगे। अंत में मैं आपको थोड़ा समराइज करके सुनाऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो क्रांतिधर्मी साहित्य के माध्यम से हम सबका समाधान करती। वातावरण में सतत घुल रहा जहर आज परेशान कर रहा है हमें, चाहे वो सूक्ष्म जहर हो और चाहे स्थूल जहर हो। इन सबका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आज की समस्याएं सुलझ नहीं सकती। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, जनसाधारण का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेतरह गड़बड़ाने लगा है। इन सबका समाधान का उपचार क्या हो? इन सबका उपचार एक ही है, जीवन शैली आदमी की ऋषियों के जमाने की हो। हर आदमी अगर विलासितापूर्ण जीवन शैली जिएगा तो हम और आप मित्रों उस की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें हम कह सकें कि हम सर्वाइव करेंगे या हमारे बाद की दो पीढ़ियां सर्वाइव करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी भर रह जाने से बेकारी बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है। शिक्षा और विद्या दोनों का सार्थक समन्वय होना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव जन्मस्थली है आमलखेड़ा, जहाँ के लिए हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के बच्चे आज हरिद्वार से यहाँ तक आए हैं। 24 बच्चे आए हैं मोटरसाइकिल पर और वो आमलखेड़ा की यात्रा करने जा रहे हैं। सभी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया नौकरी में पढ़ रहे हैं, परंतु उनके माता पिता गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, शांतिकुंज के कार्यकर्ता हैं। मैं उन सबका भाव भरा स्वागत करता हूँ। आप सबसे भी कहता हूँ उनका मनोबल बढ़ाइए और उनको जबरदस्त उनको तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। वे यहाँ से सीधे आमलखेड़ा जाएंगे। आमलखेड़ा रास्ते में जगह जगह गाँव रुकते हुए अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास करेंगे कि गाँव में जन्मा हुआ एक आदमी, गांव में जन्मा हुआ एक व्यक्ति किस तरह से अकेले अपने बलबूते इतना बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है जिसकी आज 10 करोड़ सदस्य है। इतना बड़ा संगठन जिसके माध्यम से आज हम कल्पना कर रहे हैं कि जमाना बदलेगा तो इसी राह पर। ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके सामने होते हुए निकल जाएंगे, सीधे इनको रवाना होना है, मैं इनको बुला रहा हूँ। इनके माता पिता शांतिकुंज में रहते हैं और शांतिकुंज में रह करके पूरे जीवनदानी के रूप में काम करते हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं के बच्चों को हम रवाना करते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में जा रहे हैं। आवलखेड़ा में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 1995 में कर चुके हैं। वो अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक आयोजन था जिसमें करीब करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ भागीदारी की थी और हमारे गुरुदेव की द्वारा अर्धपूर्णाहुति जो बताई गई थी उसमें भागीदारी हुई थी। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग उसमें आए थे। ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कल मैं इनके बीचों पहुँचूंगा। मैं जन्मभूमि के बारे में बता रहा था, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में है। इसको आप, इसकी आप झांकी देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर। ये जो आप देख रहे हैं गायत्री तपोभूमि मथुरा, ये परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू में यहीं आके काम किया था। ये शांतिकुंज है जहां मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जहां हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जहां गुरुदेव ने जीवन के अंतिम 20 वर्ष निवास किया था। इसी शांतिकुंज के पास गंगा की गोद में लगभग 20-25 किलोमीटर की परिधि में और 8-10 किलोमीटर की चौड़ाई में आप सबको एक पाक्षिक की प्रति मिलेगी। उसमें बीच में नक्शा दिया हुआ है, उसको देखिएगा, नगर बस रहे हैं। आप देखिएगा इतना बड़ा महाकुंभ सरकार भी आयोजित नहीं कर सकती, उतना बड़ा महाकुंभ हम लोग करने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को हम लोग यहाँ कैटर करेंगे। ये शांतिकुंज से लेकर कनखल तक, ऋषिकेश से लेकर कनखल तक एक पूरा नगर बस रहा है। इसमें 48 भोजनालय होंगे, 48 नगर होंगे और उसमें रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं वे प्रतिदिन भी आएंगे, प्रतिदिन शाम को भी लौटेंगे। विदेश से करीब करीब 2-2.5 लाख कार्यकर्ता आ रहे हैं। इतना बड़ा एक आयोजन अपने आप होने जा रहे हैं। ये ब्रह्मचर्य रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इस समय लगभग करीब 1200 बच्चे वहाँ पर हैं जो पूरे देश में कोने कोने में जाते हैं। और इन दिनों एक डेलीगेशन चाइना गया हुआ है वहीं की यूनिवर्सिटी का। सप्त क्रांतियों का गुरुदेव ने सूत्रपात किया, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण। आज बालिका दिवस है इसलिए मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि बालिकाओं के प्रति, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहने का हम सबको एक बल दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण की क्रांति के द्वारा, वंदनीय माता जी के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण, इस साल हमने वृक्षारोपण किए हैं और वृक्षारोपण में हम लोगों ने 1 करोड़ वृक्ष सारे देश में लगाए हैं, ट्री गार्ड सहित उनको पूरा पालने का पूरा स्वरूप बनाते हैं। 3-3, 5-5 वृक्षों की पंचवटी लगाई है और 1000 स्थानों पर श्री राम स्मृति उपवन लगाने का हमने एक बीड़ा हाथ में उठाया है, जिसका पहला स्मृति उपवन हम लोग बना चुके हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। गायत्री मंदिर है वहां पर शांतिकुंज में। ये म्यूजिक ट्रेनिंग आप देख रहे हैं पीछे, गतिविधि जो चल रही है, रिचुअल्स की ट्रेनिंग, कर्मकांड की प्रशिक्षण, ब्रह्मवादिनी बहनों का प्रशिक्षण और ये जो आप देख रहे हैं दीक्षा संस्कार, संस्कारों को पुनर्जीवन की परंपरा गुरुदेव ने चालू की। बहुत बड़ा अपने आप में अद्भुत प्रयोग है
संस्कारों के द्वारा ही, जैसे हम कहते हैं संस्कार, संस्कार होकर के ही सोना धातु चमकने लायक ऐसा बनता है कि हम उसको यूज कर सकें, पहन सकें। नहीं तो सोना मिट्टी में मिला रहता है, उसको कौन देखेगा। संस्कार जब तक आत्मा का नहीं होगा, सुसंस्कारिता अपने जीवन में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो षोडश संस्कारों का पुनर्जीवन किया है परम पूज्य गुरु ने। ये मेडिटेशन सेंटर है देवात्मा हिमालय, जो आप देख रहे हैं, हिमालय की गंगा की गोद, हिमालय की छाया। ये रिसर्च लेबोरेटरी है जिसका आप व्यू देख रहे हैं यहाँ पर। ये एंशियंट वैदिक साइंसेज मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक के साथ मिलाकर के हमने काम किया है। इसमें स्टोन ऑब्जर्वेटरी वे और टेलीस्कोप के माध्यम से प्रयोग, शिक्षा और विद्या का अनूठा संगम विश्वविद्यालय, वुमन एम्पावरमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, वुमन एजुकेशन, करियर काउंसिलिंग एंड दी आइडियल मैरिज, आदर्श विवाह। करीब 1.5 लाख से ज्यादा आदर्श विवाह गायत्री परिवार के द्वारा संपन्न हुए हैं। 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के अंदर शादी हो जाती है। ऐसे विवाहों में न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बचत पूरे देश के इस रेवेन्यू के हमने की है। एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पित युवाओं का संगठन। इस दिया की जगह जगह ब्रांचेस हैं, जगह जगह युवा शक्ति बड़ी तेजी जुड़ रही है। अभी आपने अन्ना हजारे के आंदोलन में देखा होगा कि हमारे यहाँ के दिया आंदोलन के प्रतिनिधियों ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सफाई का काम किया, उन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम का आयोजन किया और पूरे देश में सभी जगह इस तरह के कैंडल लाइट जो निकले सेलिब्रेशन, वो प्लस एंटी करप्शन मूवमेंट के लिए हमारे दिया के लोग लगे हुए सक्रिय हैं। ये पर्यावरण संरक्षण जिसमें मैंने कहा वृक्ष गंगा अभियान हमने चलाया, यज्ञ के जीवन को पुनर्जीवित किया, यज्ञ के विज्ञान को, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं भी हो भारत में उसमें हमारे लोगों ने जा जा करके मदद की है और अभी भी हम लोग रेस्क्यू, रिलीफ, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इन तीनों प्रयोगों करते हैं। ये भूकंप पीड़ितों की चिकित्सा जो आप देख रहे हैं, आपदा प्रबंधन, अर्थक्वेक रिलीफ इन भुज और विभिन्न प्रकार, ग्राम तीर्थ योजना एक विलक्षण योजना हमारी बनी है, रूरल क्लीनलीनेस ड्राइव, गांव को जाके स्वच्छ बनाना, फिर वहां शाम को जाके दीप यज्ञ करना, गांव वालों को संस्कार देना और उसके बाद उन गांवों को हर 6 महीने में टच करते रहना। ऐसे आदर्श गांवों की संख्या हर जिले में हम बढ़ाते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। सारे देश में एक नेटवर्क बनाया है ग्राम तीर्थ योजना का। ये हमारे मिशन का मूल मोटो है, पावर कमिटेड टू रिकंस्ट्रक्ट द एरा, एक पुनर्निर्माण के लिए कमिटेड, एक ऐसी शक्ति जिसके पास फ्लेम है, जिसका आभा मंडल है, जो टॉर्च जल रही है, हाथ जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, और प्रूडेंट एक्टिव मैन, समझदार व्यक्तियों का संगठन जिसमें सब जाति वर्ग संप्रदाय सभी के लोग इसमें इकट्ठे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव की समाधि है, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 24 घंटे कोई भी जाके अपनी समस्या कह सकता है और समाधान पाके आ सकता है। आपको कोई भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा, ये कहा जाएगा भगवान सो गए, ठाकुर जी सो गए, अब यहाँ दर्शन कल ही मिलेंगे सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। हमारे ठाकुर जी कभी नहीं सोते, 24 घंटे जगते रहते हैं और खुला हुआ मंदिर है, जिसको आना है आए, अपनी समस्याएं कहे और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के जाए। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, चैतन्य जागृत तीर्थ इसका नाम है। ये एक जन्म शताब्दी महोत्सव होने जा रहा है, 1 से 5 नवंबर कल्चरल प्रोग्राम इन शाम को बाय पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड कल्चर, एनआरआईज भी करेंगे। 6 नवंबर से कलश यात्रा, 7 नवंबर को 1551 कुंडी यज्ञ, 7, 8, 9 को यज्ञ इन द मॉर्निंग, दीप यज्ञ इन द इवनिंग। रोज विचार मंच चलेगा, ज्ञान मंच चलेगा, कला मंच चलेगा, प्रदर्शनी, आपको आमंत्रण है। किसी तरह की कोई किसी चीज की चिंता न करें, आप आइए, भोजन रहने की व्यवस्था सबके लिए वहां बनाई गई है, निशुल्क व्यवस्था है, आप आइए और आकर के देखिए ये एक संगठन अपने बलबूते कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकता है। आप सबको भाव बराबर। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। आज की विचार संगोष्ठी, उसकी विषय की विवेचना, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित विपुल साहित्य और उनकी युग निर्माण योजना के विषय में संक्षिप्त सा परिचय उन्होंने प्रस्तुत किया। परम पूज्य गुरुदेव और उनका आंदोलन विराट है, उसको किसी भी तरह छोटी सीमाओं में या समय की सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने गागर में सागर जैसा क्रम करते हुए हमारे समक्ष इस विषय को प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, हमारे बीच और हमारा सौभाग्य बढ़ाने बीच में हमारे पधारी हैं श्रद्धेया न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी। हमारी दीदी नारी जगत को सम्मानित कर रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा सा परिचय आपका दे दूँ, 2 मिनट। हाँ, श्रद्धेया जी हमारे बीच हैं, हम अपनी बहन के रूप में उनको सादर आमंत्रित करते हैं।
बड़ी कुशल और बड़ी श्रेष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश हैं आप और संवेदना की प्रतिमूर्ति हैं, सत्य प्रेम और न्याय के जो त्रिविध क्रम हैं, तो हम बड़ी श्रद्धा से, चूंकि वो हमारे परिजन भी हैं, पूर्व से जुड़ी हुई हैं, मैं बहुत सम्मानपूर्वक मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ, समस्याएं आज की समाधान कल के इस विचार संगोष्ठी में शामिल हों। मानव सेवा को समर्पित एवं सामाजिक उत्थान के प्रति निष्ठावान गायत्री परिवार के आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस श्री लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में आज इस आयोजन में सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम मैं उन्हें अपना सादर प्रणाम कहती हूँ। गायत्री परिवार के तंत्र और शक्तिपुंज डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जिन्होंने इस संस्था को गति जो इस संस्था को आज के समय में गति प्रदान कर रहे हैं और हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं, आज के इस विचार संगोष्ठी के सारे प्रबुद्ध श्रोतागण जो इस सभागार में उपस्थित हैं और जो कई जगहों से यहाँ आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, हमारी सभी आदरणीय बहने एवं भाइयों, मुझे सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गायत्री परिवार को, जिन्होंने इस बात को समझा कि न्यायाधीश और न्यायाधिपति सिर्फ न्यायालय में अपने निर्णयों के द्वारा सिर्फ सेवा न दे करके शायद आप हम सबके इस आयोजन में सम्मिलित होकर भी हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और इस नाते उन्होंने हमें निमंत्रित किया। मुझे कुछ समय पहले बंबई में एक निमंत्रण मिला था इसी संस्था की ओर से, और तब मैंने अपना एक संकोच सबके समक्ष जाहिर किया था कि जब मैं ऐसी संस्थाओं में जाती हूँ तो अक्सर मुझे एक दुविधा होती थी, आज नहीं होती है, ये मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का विषय है कि और तब हमने कहा था कि जो भी संस्था, क्योंकि आज के समय में कोई भी अगर अच्छे से अच्छा कार्य करे, हम उसे एक शंका की दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि पता नहीं इसका एजेंडा इसके पीछे क्या है, ये मुझे, किंतु इस एक, मैं इसे कहूँगी, इन्फीरियोरिटी हीन भावना को दूर करने की जरूरत है। और तब हमने ये कहा था कि अगर हम कोई अलख नहीं जगा, अकेले स्वयं अपने आप कोई अलख नहीं जगा सकते हैं और कोई सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं, तो जो भी जिस रूप में संस्था के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, एक इकाई के द्वारा, अगर वो किसी सही कॉज के लिए लगा हुआ है, तो हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम उसका उत्साहवर्धन करें और उस उत्साहवर्धन से अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें उसे परम अपना सौभाग्य मानना चाहिए। मुझे कम से कम गायत्री परिवार के लिए मेरे मन में अपार आदर है, क्योंकि इस संस्था के विषय में आज से नहीं, जिस समय मेरे पूज्य पिताजी जीवित थे उस समय से मुझे इस संस्था से परिचित होने का मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने, जो स्वप्न दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इस संस्था को रूप दिया, उसे वह इतने जीवंत और इतने समर्पित भाव से अपना
अपना चिकित्सा के कार्य के साथ साथ इस संस्था को गति प्रदान कर रहे हैं और संस्था के द्वारा यह समाज सेवा की ओर एक इकाई के रूप में हम सबके बीच है। मुझे और आज का जो इन्होंने आज की विचार गोष्ठी में जो इन्होंने जो विषय का चुनाव किया है वह और भी आज संभवतः उन्होंने इस दुविधा के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि एक हम सभी जो इन्होंने विषय चुना है वो हम सभी का दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए अपने तरफ से क्या योगदान करते हैं। आज का विषय आज की समस्या और समाधान कल का। शुरुआत में प्रारंभ में इसे एक दुविधा पैदा करती है, जैसा उन्होंने खुद भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि समस्या अगर आज की है तो इसका समाधान कल कैसे होगा, किंतु इसमें ज़्यादा मेरी समझ से ज़्यादा दिमाग भिड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल आज और कल का गहरा रिश्ता है। कल एक इतिहास था, आज हम वर्तमान में जी रहे हैं तो इतिहास हमें बताता है हमने क्या गलती की, तो आगे के लिए हम क्या तैयारियां कर सकते हैं। हम सबका निश्चित रूप से यह दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में विचार करें और जैसा कि एक बड़ा अच्छा शब्द मुझे अभी देखने और सुनने को मिला कि हम सबको विचार क्रांति की जरूरत है, क्योंकि ये फॉर्चुनेटली जिसको कहते हैं सौभाग्यवश आज मुझे किसी केस के विषय में नहीं बोलना है, किंतु जो विषय है कि आज की समस्या और फिर इसका समाधान क्या होता है उसको मेरी समझ से एक निचोड़ के तौर पर इन्होंने ये रख दिया कि आज विचार क्रांति की जरूरत है। यह हम सभी ये प्रबुद्ध जनों की सभा है, सभी जानकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम नहीं समझते कि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग भिड़ाने की जरूरत है कि आज समस्या कहाँ है, क्या यह बताने की जरूरत है कि समस्या भ्रष्टाचार की है, समस्या सारे कानूनों के बावजूद महिलाओं को आगे आने की नहीं, उनको जो उनके प्रति अन्याय होता है उसको दूर करने की समस्या है, और जो हर समस्या जो है वो उसके लिए कानून भी है, लेकिन कानून के बावजूद हम हमेशा विचार गोष्ठी करते हैं संस्थाओं के द्वारा, लीगल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अपने जजमेंट्स के द्वारा और एक विचार क्रांति के द्वारा भी कि इसका क्या होना चाहिए। और लेकिन विचार क्रांति अगर आती है, विचार क्रांति का अर्थ मेरी समझ से यही है कि हम सबको ये देखना है कि हम अपने विचारों में परिवर्तन अगर ले आते हैं तो समस्या तो कहीं रही नहीं जाती है, पर एक थ्योरी की बात हो जाती है कि ठीक है समस्या जो है वह विचार क्रांति होनी चाहिए। अगर कई बार मैंने देखा कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इश्यूज के ऊपर जब हम लोग विचार करते हैं तो बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है कि आप महिला और पुरुष में भेद करते हैं। आप जब एक समय था जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया और वो और लोगों के विचारों के द्वारा अब सती प्रथा मेरी समझ से तो शायद बिल्कुल रुक गया है और इस तरह की कोई विसंगति नहीं देखने में आती है, पर वो हुआ कैसे, कानून बना लेकिन सब ने समझा कि नहीं ये गलत है इसलिए इसे रुकना चाहिए। लेकिन अब उसका दूसरा देखिए, दूसरा रूप, जब कन्याएं आती हैं भ्रूण में तो हमसे अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन एक तरफ तो विज्ञान की प्रगति हुई कि हम और एक विचारों में भी क्रांति आई, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी यह बात आई कि महिला और पुरुष में भेद नहीं करना है, किंतु भेद कहाँ है, भेद उसके कन्या जब गर्भ में आती है तभी से भेदभाव शुरू हो जाता है, तो और उस समय तब आप बेटे की चाहत में बेटियों का खात्मा करते हैं और
सेक्स रेशियो बिगड़ता है और हम लोग सब पर उसके ऊपर विचार करते हैं, कानून भी लाते हैं, तो समस्या मेरी समझ से कहाँ है? समस्या फिर वही विचारों में है, विचार में है, जबकि हम और कथनी और करनी में भेद है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे उपदेश देते हैं, हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं। मेरी समझ से हम सबको आज आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, समस्या वहाँ है, क्योंकि हम जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो ये जो अगर हम मंच से उदाहरण के तौर पे इसे मैं बताना चाहती हूँ कि मंच से मैं बड़े बड़े भाषण दे लूँ, बहुत सारी बातें आपको बताऊँ कि नहीं स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, और कल को अगर हमारी बहू या बेटी अगर है गर्भवती है और उसके मैं कहूँ कि नहीं नहीं जाकर पता लगाओ कि ये लड़का है या लड़की है, तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि समस्या कहाँ है। समस्या है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि समस्या क्या क्या है वो आप सब सभी समझते हैं, किंतु समाधान का एक सूत्र मैं समझती हूँ कि इस गायत्री परिवार ने जो ये शब्द जो ये कॉइन किया है कि विचार क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति होगी सारी क्रांतियों से, और विचार क्रांति जब करते हैं तो हमें अपने अपने अंदर झांकना है कि जो हम विचार क्रांति करते हैं, विचार क्रांति की बात करते हैं, तो क्या विचार क्रांति उस क्रांति को हम अपने अपने स्तर पर किस रूप में उसको कार्यान्वित करते हैं, क्या उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है? मेरी समझ से तो सबसे बड़ी समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है। आज भ्रष्टाचार की बहुत बातें हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि वो कोई सिरफिराई होगा जो कहेगा कि नहीं भ्रष्टाचार को पनपने देना चाहिए, तो पागलपन की बात होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या कहाँ उठती है कि क्या हम कथनी और करनी में भेद नहीं करते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने के टाइम में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमें करना चाहिए। देखिए मैं आप किस आप मैं आपको ये एक तरह से मैं कहना चाहूँगी कि आप कतई ये इस भ्रम में न रहें कि कोई ये कहेगा कि भ्रष्टाचार को पहले भ्रष्टाचार को उठाओ तो सही, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन हम एक इकाई, एक इंडिविजुअल इकाई की बातें निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन विचारों में क्रांति बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें देखना है कि हम जो कर रहे हैं वह जो करते हैं और जो कहते हैं उसमें कोई भेद ना होने पाए। आज बहुत भीड़ लगी, बहुत ये जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर के जो बातें हुई, ये बहुत ही बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इसने कैचअप किया। लेकिन जब अगर आप वहाँ जाकर दूसरे दिन फिर वही गलती करते हैं, तो हम समझते हैं कि फिर वहाँ विचारों में क्रांति की जरूरत है। तो जो भी हमारी समस्या है उसका विचारों से जोड़कर देखना बहुत आवश्यक है। मैं अक्सर सुनती हूँ, जैसे मैं एक तरफ तो इतनी प्रगति हुई है समाज में, एक तरफ इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि फला फला, मैं उसको एक बहुत छोटे से उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा से या और ये मैंने अपने पिताजी के द्वारा भी बहुत एक एथिक्स की बातें बहुत समझी, और वो बहुत ही, क्योंकि वो भी न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे अपने एक स्टेट में, तो लेकिन अक्सर सुनने में आता था कि, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते थे वो, और बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया,
और 27-28 वर्षों की के रिटायरमेंट के बाद भी किसी को राजकीय सम्मान के साथ अगर उनकी विदाई हुई तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा, जबकि वो कोई पद नहीं, तो पद नहीं था उनके पास। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो इतनी सफलता के बावजूद, उनके बारे में मुझे अक्सर लोग कहते थे अरे ऐसा उन्होंने किया, ये तो आपके पिताजी के जमाने की बात थी, ये तो आपके पिताजी, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो वो बीती हुई बात हो गई, वो गुजरे जमाने की बात हो गई, आप स्मार्ट नहीं हैं, अगर आपने चाबी नहीं घुमाई, आपने अगर तिकड़म नहीं लगाया तो आप स्मार्ट नहीं हैं, आप बेवकूफ हैं, आप सीधे हैं। और उसको कोई सम्मान एक थियोरिटिकल हो जाती है, हाँ भाई सम्मान तो है, वो अपनी जगह पर है, पर वो आज नहीं चलेगा। तो इस उदाहरण से हमें सोचने की जरूरत है कि हम जो करना चाहते हैं उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको कम से कम ऑब्सोलीट ना माने, उसको सिर्फ थियोरिटिकल ना माने कि ये गुजरे जमाने की बातें हैं। और हमारी अब अक्सर मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो उनको लगता है कि नहीं ये अगर किसी तरीके से कुछ काम हो जाता है तो ये एक स्मार्टनेस की बात होती है, और अगर अगर हमने टेक्नोलॉजिकल प्रगति की है तो जो हमारा जो हमारी जो सोच में ये विकृति ही मैं कहूँगी, जबकि हम उसको किसी गलत बात को उसको कम करके आंकते हैं, कम करके देखते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय बार बार, चूंकि मेरी स्त्रियों से जुड़ी हुई आस्था है स्त्री होने के नाते भी शायद, तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि एक तरफ तो एक ज़माने में उस समय फीमेल फीटिसाइड नहीं था, उस समय लोग ये टेक्नोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड और ये MTP की सुविधा नहीं थी, तो क्या होता था, हमने ये सुना था कि वहाँ पर पहले ज़माने में कुछ ग्रुप्स और कुछ समुदाय में जो नई लड़कियाँ जो जन्म लेती थी उन्हें नमक चटाकर उनका खात्मा कर, ये मैंने अपने बचपन में अपने शायद दादी नानी से सुना था ये, और ये इतना घर कर गया था कि मुझे शॉक्ड हो जाती थी कि ऐसा भी होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से उस पर बहुत लगाम आया तभी मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, नहीं तो मुझे भी कहीं नमक चटा करके मैं काल कवलित हो गई रहती। तो उस पीढ़ी ने हमें एक दिशा दिखाई कि नहीं वो गलत था, और उन्होंने अपनी बेटियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी वो कर सकते थे, ठीक है उनकी सोच थी, उस समय विवाह जल्दी हुआ करते थे, पढ़ाइयाँ ज़्यादा लड़कियों को नहीं हो पाता था, तो अपने अपने समय के हिसाब से सामर्थ्य के हिसाब जो उनकी सोच रही, लेकिन कम से कम हमारी पीढ़ी से वो हजार गुना अच्छे थे। जबकि उन्होंने आप मारने के लिए अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जाते हैं, उस समय तो नमक बड़ी आसानी से मिलता होगा, पर उन्होंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे तो आज हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं इस तरह की ऊटपटांग हरकतों के लिए। तो ये सारी बातों को जो कहते हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रेस अपॉन दिस ऑगस्ट ऑडियंस, जिसको हम लोग अक्सर रिपीट करते हैं, उसमें ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो भी समस्या हमारी है, चाहे वो भ्रष्टाचार की है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो और कोई कुरीति से जुड़ी हुई है, तो विचार क्रांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सच पूछिए तो यहाँ आने से पहले, क्योंकि मेरी इस सप्ताह में बड़ी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, तो मैंने इसमें आने के लिए हाँ तो भरी थी, पर मेरा बिल्कुल दिमाग ब्लैंक था कि मैं आपके सामने जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई विचार अपने मन में संकलित नहीं किया है, कुछ लिख पढ़ के भी नहीं आई कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन इस अभी डॉक्टर पांड्या साहब की बातचीत से और हमारे जो स्वप्न दृष्टा श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो ये विचार क्रांति की बात जो हमारे सामने रखी, शायद उसने मुझे ये दिशा दी कि आज मैं आपको कहूं कि हम सबको जो हम समस्याएं आज की और समाधान कल की बात करने आए हैं, तो हम
अगर विचार क्रांति लाते हैं, अपने विचारों में बदलाव लाते हैं, अपने अंदर अंतरात्मा में झांक कर देखते हैं कि जो मैं जो कर रही हूँ क्या वह निष्पक्ष है, क्या वह न्याय के अनुरूप है, क्या मैं कथनी करनी में अलग अलग नहीं कर रही हूँ, क्या मैं दूसरों को मूर्ख समझ रही हूँ कि उसकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैंने तो ऐसा कर दिया, अब ये तो, और मैं अथॉरिटी में हूँ इसलिए मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ। आप माफ़ करेंगे, जहाँ भी हम जिस पद पर भी जैसे भी बैठे हुए हैं, हम सबको ये समझना होगा कि हम दूसरों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, और अगर मूर्ख नहीं बना सकते हैं और ये हमें आभास हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी विचार क्रांति होगी मेरी समझ से, और विचार में अगर क्रांति आ गई तो समस्या मेरे समझ में, बाकी तो आप उसे कानूनी जामा पहना सकते हैं, आप उसको कानून को लागू भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरी समझ से इससे ज़्यादा मेरी सोच आज इससे ज़्यादा नहीं जा रही है, और मैं अपने आप को इतना सामर्थ्यवान भी नहीं मानती हूँ कि मैं ही सब कुछ आपको कहूँगी तब आप समझेंगे। सच पूछिए तो जो मानव सेवा से जुड़ी हुई संस्था, धार्मिक संस्थाएं, उसमें मुझे सुनने की ज़्यादा आकांक्षा रहती है बजाय बोलने की, लेकिन एक प्रथा चली हुई है कि अगर मैं विशिष्ट अति हूँ तो आपको मुझे सुनना पड़ेगा और मेरा काम है बोलना। तो आज इस नाते मुझे, मैंने जो मेरे आड़े तिरछे, मेरी जो सोच है मैंने आपके समक्ष रखा, आप मुझे दिशा दिखाएं और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसमें सुधार करूं। कल मैं एक फंक्शन में जब गई तो एक ऑडियंस में, उस समय वो वुमेन्स राइट्स इश्यूज के ऊपर कोई कार्यक्रम था, तो उसमें एक व्यक्ति ने, एक शायद कोई लोकल जर्नलिस्ट था कलकत्ते का, तो उसने बिल्कुल विषय से हटकर हमारे एक सहयोगी को, मुझसे तो उन्होंने नहीं, मेरे सहयोगी को कहा कि जुडिशरी में तो इतना करप्शन है, जुडिशरी में तो इतना करप्शन है, और आप लोग क्यों नहीं उसको एड्रेस करते हैं। तो हमारे जितने सहयोगी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको चुप कराने की कोशिश की, पर उस समय तो वो चुप हो गए। बाद में हमने जब उनको इन्वाइट किया कि नहीं आप, हमने इन लोगों को कहा कि नहीं, कोई किसी के मन में अगर कोई विचार कौनता है, कुछ होता है, उसे दबाना नहीं है, हमें उसे बिल्कुल भी दबाना नहीं है, उसे आपको एड्रेस करना है, उसको डील करना है। फिर हमने पूछा कि आपके, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जुडिशरी के अंदर ऐसा है, तो उन्होंने कुछ जो भी उनके मन में थी उन्होंने कहा। तो चूंकि मैं अपने विचार रख रही हूँ इसलिए मैं आपके समक्ष बताती हूँ, मेरा उनको कहना था कि अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है आप निश्चित रूप से आवाज़ उठाइए, लेकिन एक सत्य और असत्य के बीच में तब भी आपको भेद करना होगा, क्योंकि अगर एक कोई गया गुजरा है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंस्टीट्यूशन खराब हुआ और आप उसे इस तरह से कंडेम करें। तो हम लोगों को सत्य और असत्य के बीच में हमेशा ही एक डिफ्रेंशिएट करना है, और जिसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस रहा है वो नहीं करना। दूसरा मैं एक और, क्योंकि एक अनुभवों से मैं बोल रही हूँ, एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहती हूँ। जुडिशियरी के अंदर पता नहीं आपके एग्जीक्यूटिव में क्या स्थिति है मालूम नहीं, जुडिशियरी के अंदर खास करके लोअर जुडिशियरी, सबॉर्डिनेट जुडिशियरी जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक बीमारी है कि एक वो, क्योंकि खुद वो कुछ नहीं कह सकते हैं तो वो गुमनाम चिट्ठियां लिखते हैं। हम लोगों के पास आज भी गुमनाम चिट्ठियां आती हैं, और गुमनाम चिट्ठियों में कुछ तो सही होता है और तीन चौथाई गलत होता है। तो हमने एक बार लाइटर वेन में, जब हमारी इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी, हमने कहा भाई आप लोग जब इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं तो आपका मकसद तो निश्चय ही बहुत ही आदर्श और आइडियल होता है कि आप चाहते हैं कि कोई गलत बात जो है सो हायर जुडिशरी के अंदर भी उनको भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि जो सिर्फ सत्य हो उसी को लिखिए? अगर आप सत्य लिखिएगा तो कल की आपकी गुमनाम चिट्ठी आएगी तो वो कहेगा कि नहीं, इसमें अगर लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से सत्य है, मगर वहां भी तो फेट फाट करके आप लिखते हैं। जो आपको सूट करता है उसको तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, जो नहीं सूट करता है उसको कह देते हैं बहुत खराब है, और जो खराब है वो तो है ही है खराब। तो इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम जो करते हैं, अब मैं शायद बहुत, मैं वैसे भी
बोलने के मामले ढीठी मानी जाती हूँ, इसलिए मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं आज मीडिया की भी बात करती हूँ, अक्सर मीडिया की बात होती है कि तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मीडिया भी एक तरीके का जज है और हर व्यक्ति एक जज है और सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश उसकी आत्मा में है, वो देखे कि वो क्या कर रहा है। तो अगर 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 मीडिया जो कि जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, जैसे कि जुडिशरी से की जाती है और की, और मैं इसे बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत बहुत ही हेल्दी साइन है, बहुत ही बहुत अच्छी बात है ये, तो उसमें, लेकिन अगर किसी चैनल के बारे में कहा जाता है अरे ये तो फला पार्टी का चैनल है, ये फला पार्टी का चैनल है, ये जो है सो उसका स्पोक्स पर्सन है, वो फलाने पॉलिटिशियन के साथ हॉबनॉबिंग करता है, तो क्या वो गलत नहीं है? वो भी, उनको भी झांकना पड़ेगा कि जब आप किसी को उंगली उठाते हैं और चैनल पर आप कहते हैं फलाना, इस तरह से बिल्कुल जजमेंट के तौर पर होता है कि ये फलाना गलत बोल रहा है, फलाना गलत बोल रहा है, और उसकी वर्चुअली क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो उनको भी झांक के देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी बिजनेस हाउस से जुड़े हुए हैं, आप फलाना बिजनेस हाउस से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हम सब से निष्पक्षता और सत्यता की उम्मीद की जाती है, तभी हमारा सत्यमेव जयते होगा। और सत्यमेव जयते की मैं पूजा करती हूँ, सत्यमेव जयते का व्रत लेकर के मैं आप सबसे फिलहाल विदा लेती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी को। उन्होंने सारी समस्याओं के मूल में एक ही बात की ओर हम सबको संकेत किया कि समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे वी नो ऑल, पर समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, वो है विचार क्रांति। पूज्यवर ने उसी विचार क्रांति के माध्यम से सारे विश्व में एक बिगुल बजाया है। युग्मनमाण आंदोलन इन्हीं सब विचारों को जन जन तक व्याप्त कराने के लिए सक्रिय है और निरंतर इसी क्रम में अगले क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सम्माननीय रमेश चंद्र लाहोटी जी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विद्यमान है। यह हमारा गौरव है आज की सभा का कि उन्होंने अपना समय दिया हमको और इस विचार संगोष्ठी में भाग लेने की सहमति प्रदान की। माननीय लाहोटी जी गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश के माटी के सपूत हैं। 121 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष के उन गिने चुने 35 न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने देश के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का पद सुशोभित किया है। दिनांक 1 जून 2004 को वे भारतवर्ष के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए हैं। आदरणीय सर, मैं निवेदन करूँगा, यद्यपि बहुत अनुमति नहीं है, परंतु ढेर सारे इन पुरस्कार, ढेर सारे मानद उपाधियां और अपने न्याय क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियों के साथ में मैं बहुत श्रद्धापूर्वक उनको आमंत्रित करता हूं। उनने देश की बड़ी सेवा की है, हम सबके लिए न्याय दिलाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं श्रद्धापूर्वक माननीय लाहोटी जी को यहां आमंत्रित करता हूं। परम श्रद्धे डॉक्टर पांडे साहब, बहन ज्ञान सुधा जी, गायत्री परिवार के सभी सदस्यगण, देवियों, सज्जन वृंद, मित्रों और अतिथिगण, मैं आदरणीय द्विवेदी जी के मेरे परिचय देने के प्रयास में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस मंच पर मेरे किसी परिचय की आवश्यकता है। यदि उन्होंने मेरे परिचय में एक ही बात कह दी होती तो सबसे बड़ा परिचय होता कि मैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या साहब का कृपा पात्र हूँ। बस इसमें सारा परिचय हो गया। अभी हमारी बहन ज्ञान सुधा जी बोल रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उनका सारा वक्तव्य का केंद्रीकरण वैचारिक क्रांति पर था और यही तो हमारा आज की विचार गोष्ठी का, संगोष्ठी का विषय है। मुझे एक बात याद आई कि जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशंस,
जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका चार्टर है, जिस चार्टर के द्वारा उसका जन्म हुआ उस संस्था का, उसमें एक बात लिखी है। उस चार्टर में लिखा है उस संस्था का उद्देश्य विश्व शांति है, विश्व का उत्थान, विश्व शांति। उसमें लिखा है कि युद्ध के विचार मनुष्य के मस्तिष्क में पनपते हैं। ये मनुष्य का मस्तिष्क है जहां सारे विचार जन्म लेते हैं, और इसलिए यदि विश्व में शांति स्थापित करना है तो शांति के बीजों का आरोपण हमें मनुष्य के मस्तिष्क में करना होगा। जब मनुष्य के मस्तिष्क में शांति के बीजों का आरोपण हो सकेगा तो विश्व में शांति हो जाएगी, क्योंकि युद्ध के विचार फिर मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आएंगे। ये ही है वैचारिक क्रांति। अभी बहन ज्ञान सुधा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, थोड़ा सा मुझे मेरे मन में भी पीड़ा हुई, ऐसे बात सुन के सबको पीड़ा होती है, कि कन्याओं का जन्म हुआ करता था तो उन्हें नमक चटा दिया करते थे, और ज्ञान सुधा जी के माता पिता ने उन्हें नमक नहीं चटाया, वो बच गई। मैं ज्ञान सुधा जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उनका तो नाम ही उनके माता पिता ने ज्ञान सुधा रखा है, ज्ञान और सुधा। मैं उनके नाम का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, पर थोड़ा बहुत हिंदी का जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे ज्ञान और सुधा का सम्मिश्रण करने की अनुमति होती तो मैं उनका नाम रखता ज्ञानामृत। वो तो ज्ञानामृत हैं, और इससे मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यदि उन्हें नमक भी चटा दिया गया होता तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वे जैसी आज उपस्थित हमारे सामने वैसी ही बनी जाती। देवी और सज्जन वृंद, कि वे महान थे इसलिए उनके जन्म की शताब्दी का वर्ष एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस देश में मनाया जा रहा है, केवल इस देश में नहीं विदेश में भी। उन्होंने युग निर्माण योजना के माध्यम से एक क्रांति का उद्घोष किया, और न केवल उद्घोष किया, उसे गति दी और यहां तक बढ़ाया, और जिम्मेदारी हम पर सौंप दी कि जिस क्रांति को जन्म देकर उन्होंने यहां तक पहुंचाया है हम उसे और आगे बढ़ाएं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम आप सबने सुना होगा, वे गांधी जी के समकालीन थे, गांधी जी और आइंस्टाइन बड़ी मित्रता थी। अक्सर करके कहा जाता है कि वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते, किंतु आइंस्टाइन ईश्वर में विश्वास करते थे और हृदय से अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। महात्मा गांधी और आइंस्टाइन का पत्र व्यवहार होता रहता था, और जब महात्मा गांधी का स्वर्गवास हुआ, वो एक घटना एक अलग बात है, तो वाशिंगटन में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का श्रेय आइंस्टाइन को जाता है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, और उन्हें ये बात कही कि आने वाली सदियां बड़ी मुश्किल से इस बात का विश्वास करेंगी कि भारतवर्ष की धरती पर कोई हाड़ मांस का पुतला ऐसा भी पैदा हुआ था जिसे महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है। मैं इस बात के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाली सदियां इस बात पर भी कठिनता से विश्वास करेंगी कि भारत की उर्वरा भूमि होते हुए भी इस भूमि पर आचार्य श्रीराम शर्मा जैसी विभूति ने जन्म लिया था। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि आप सब तो उनके भक्त हैं, चिंतक हैं, उनके विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, हम सभी करते हैं, किंतु वे ऐसे विलक्षण चिंतक और विचारक थे, और लेखक भी बोलते तो थे, कि मुझे पता चला कि उन्होंने लगभग 3,000 पुस्तकें लिखी।
जिनमें 70 तो ग्रंथ हैं। एक बात आपसे बताऊं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और मैंने क्यों कहा कि मैं डॉक्टर पांड्या साहब का कृपा पात्र हूं। मेरा इस परिवार से बड़ा पुराना संबंध है। डॉक्टर प्रणव जी के पूज्य पिताजी श्रद्धेय श्री सत्यनारायण जी पांड्या जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में गुना में पदस्थ रहे, जहां मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी ने उनके सामने वकालत की है, और आदर्श और नैतिकता व्यावसायिक जीवन में क्या होती है, इसका पाठ उन्होंने श्रद्धेय श्री सत्यनारायण जी पांड्या से पढ़ा। मैं जब भी हरिद्वार जाता हूं, कमी जाना होता है, व्यस्तता रहती है, किंतु हरिद्वार की यात्रा में एक मुकाम, ये स्थान शांतिकुंज जरूर होता है, और उनके दर्शन में अवश्य करता हूं, 5 मिनट से अधिक नहीं, इसलिए उनका समय बेशकीमती है। वे जो सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उसमें एक क्षण का समय का भी अपव्यय हो। ये संबंध मेरा इनसे भी बना हुआ है, और जब मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ और जब हम अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे, तो ये आयोजन भी हमने शांतिकुंज में ही किया था। डॉक्टर पांड्या को ये पता नहीं है कि मेरी उनसे भेंट तो यदा कदा हो पाती है, किंतु मैं उनसे प्रतिदिन मिलता हूँ और प्रतिदिन उनसे विचारों का आदान करता हूँ। प्रदान तो नहीं कर पाता, विचारों का आदान करता हूँ। वो कैसे? मैं अखंड ज्योति का नियमित पाठक हूँ। एक बात मैं स्वीकार कर लूँ आपसे कि पहले मैं जब अखंड ज्योति की पत्रिका मैंने पहली बार देखी एक विद्यार्थी के रूप में, तो मैं अखंड ज्योति का अध्ययन करता था, उनमें से अपने नोट्स बनाता था, और अनेक प्रेरक प्रसंग जिनमें से 2-4 की चर्चा आज मैं आपके सामने करूंगा आपकी अनुमति से, ये मैंने अखंड ज्योति में ही पढ़े हैं। अखंड ज्योति का सबसे आकर्षक हिस्से मुझे वो लगते हैं जहां पॉकेट्स में, यानी एक आयताकार घेरे में छोटे छोटे प्रसंग लिखे होते हैं, मुझे बहुत रोचक लगते हैं। उनका काफी मैंने संग्रह किया है। और दूसरी बात कि आजकल दूरदर्शन का बड़ा लाभ है, मुझे हरिद्वार नहीं जाना पड़ता। प्रातःकाल मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम जो थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, उस समय दूरदर्शन चला लेते हैं, और उस समय क्रम से रामदेव जी, तदनंतर रिदम्बरा जी, सुधांशु महाराज, और इसके बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या को हम प्रतिदिन नियम से सुनते हैं, और इसके बाद ही हमारा प्रातःकाल व्यायाम प्राणायाम का कार्यक्रम समाप्त होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है डॉक्टर प्रणव जी पांड्या को देख करके कि वे अपने आप को श्री राम जी शर्मा आचार्य का शिष्य कहते हैं, किंतु कुछ दिनों से मैं उनको सुन रहा हूँ। कौन सा ऐसा विषय है जिस पर आचार्य जी ने लिखा नहीं है, और कौन सा ऐसा विषय है जिस पर डॉक्टर साहब ने बोला नहीं है? और यदि उनकी अनुमति हो तो एक बात और कहना चाहता हूँ। कहने की बार मैं देखता हूँ कि वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं विश्वविद्यालय में, और उनको लेक्चर देने रहे होते हैं, 40-50 विद्यार्थियों का क्लास होता है, उनको पता नहीं चलता कि वो 40-50 विद्यार्थियों को शिक्षण नहीं दे रहे हैं, वो 40-50 हज़ार विद्यार्थियों को शिक्षण दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो दूरदर्शन देख रहा होता है, मेरे जैसे व्यक्ति, वो उनको ध्यान से सुनता है और उनसे कुछ न कुछ सीखता है। मैं इस विषय को, जो मैंने थोड़ा परिचय आपका समय लेकर के अपने बारे में और उनके संबंध के विषय में कुछ कहना चाहा, मैं इसका समापन इस बात से करूँगा। कई बार हरिद्वार गया था मैं, तो वहाँ एक मंदिर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से मंदिर है, उस मंदिर की दीवारों पर अनेक सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। एक मंदिर में सूक्ति लिखी हुई थी कि अब तो मेरे इश्क का कुछ और ही अंदाज है, और उनको मुझ पे नाज है, और मुझको उन पे नाज है। डॉक्टर प्रणव पांड्या साहब बोल रहे थे, उन्होंने बड़े श्रद्धा से आचार्य जी का स्मरण किया और कहा कि मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उनका शिष्य हूँ और उनके कार्यक्रम को आगे चला रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ,
कि किसी प्रकार से मुझे मेरी इस बात को श्रद्धेय आचार्य जी के प्रति असम्मानजनक न माना जाए, और माने तो आप, मैं आप सबसे क्षमा मांग लूँगा। यदि आचार्य जी हमारे बीच में आज भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तो उपस्थित हैं, वे जा नहीं सकते, किंतु भौतिक रूप से आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु यदि वे भौतिक रूप से उपस्थित होते तो वो ये कहते कि गुरु गोड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। वे ये कहते कि तुमको मुझ पे नाज है, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज मुझको भी तुम पर नाज है। आइए थोड़ी सी इस विषय की चर्चा कर लें। मैं आचार्य जी को और उनके चिंतन और विचारों को आज की प्रत्येक समस्या का समाधान मानता हूं। समस्या आज की, समाधान कल के। ज्ञान सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही, समस्या तो आज होगी, समाधान कल होगा? नहीं, उनने भी समाधान दिया, इस समस्या का भी समाधान उन्होंने दिया है। मैं इस विषय को दो दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं। समस्या आज की, आज की समस्या के लिए हम वो समाधान खोज करके लाएं जो कल मिलने वाला है, इसलिए आज की समस्या, आज का समाधान पर सूत्र कल के। हर भविष्य दृष्टा यही सिखाता है कि जो भविष्य में होने वाला है उसे आज देखो, और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो समस्या आज की और समाधान कल का। हमें समस्याओं का समाधान आज इसलिए कर लेना चाहिए कि कल हम तो न रहेंगे, पर यदि हमने कल का समाधान आज नहीं सोचा तो ये समस्याएं हम विरासत में अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप जाएंगे, और इसलिए आज की समस्याओं का समाधान आज किया जाना आवश्यक है। मैं अपनी बात, आचार्य जी ने कैसे सोचा समाधान, समस्याओं पर क्या चिंतन किया, समाधान कैसे सोचा, एक कहानी मुझे बड़ी रोचक लगती है, बोध कथा, मैंने अखंड ज्योति के कभी बहुत पुराने अंक में पढ़ी थी। इतिहास के सारे विद्यार्थी और आप सब जिन्हें सामान्य ज्ञान की का प्रति अभिरुचि है, वे सब जानते हैं सिकंदर महान का नाम आप सबने सुना होगा। सिकंदर महान विश्व विजय करने का संकल्प लेकर के अपने देश से निकला। जब निकला तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए गया। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो डॉक्टर साहब मुझे सही करेंगे, शायद सिकंदर गुरु अरस्तु थे, अरस्तु थे, अरस्तु का आशीर्वाद लेने के लिए गया। आशीर्वाद प्राप्त किया और उसने कहा, गुरुवर मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर आऊं? अरस्तु ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सिकंदर सुन ने यह नहीं कहा विश्व विजय होकर लौटो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वही हो, यदि विश्व विजय में तुम्हारा कल्याण होता है तो वो हो, यदि विश्व के विजयी न होने में तुम्हारा कल्याण होता है तो वो हो, कल्याण तुम्हारा हो। और तुमने पूछा है कि तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में तुम जाओगे, भारतवर्ष की 5 चीजें ऐसी हैं जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ये 5 चीजें कौन सी हैं? अरस्तु ने कहा, गायत्री, गीता, गंगा, गाय और गुरु। गायत्री, गीता, गंगा, गाय और गुरु, ये 5 चीजें भारतवर्ष की ऐसी हैं कि दुनिया में इसकी तुलना में कहीं कुछ है नहीं, और तुम में से यदि एक भी इनमें से कोई मेरे लिए ला सको तो ले आना, बस इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। आइए क्षण भर इसका थोड़ा विश्लेषण करें कि आचार्य जी ने क्या किया। सबसे पहला गायत्री, अरस्तु का काम तो इनमें से एक से चल जाता,
आचार्य जी ने पांचों का ही अवतरण अनुसरण कर लिया। गायत्री, अभी हमने देखा जो स्लाइड शो था उसमें गीता के 24 महापुरुष चरण, गीता की क्षमता को उन्होंने पहचाना। गीता में ऐसी क्षमता है कि जो वैयक्तिक, बौद्धिक, लौकिक, पारलौकिक उत्थान और कल्याण प्रदान करने की क्षमता रखती है। और मुझे दीक्षित जी के सौजन्य से दो पुस्तकें मिली आचार्य जी की लिखी हुई गायत्री पर। संपूर्ण वैचारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने गायत्री मंत्र को की व्याख्या इस प्रकार की है कि जिससे जिसे गायत्री के प्रति भक्ति भाव है वो विश्वास करके ये मान लेगा कि गायत्री में इस सब प्रकार का कल्याण करने की क्षमता है। और हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो भक्ति भाव नहीं रखते, वो तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक कि तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। तो यदि कोई तर्क करना चाहे तो उसके लिए सतर्क प्रस्तुति भी आचार्य जी ने की है इन पुस्तकों में। और ये बताया है कि विज्ञान सम्मत व्याख्या भी इस बात की है कि गायत्री में कैसे प्राणी मात्र और षष्टि मात्र का कल्याण करने की क्षमता है। गीता, विनोबा जी ने अपनी गीता की संक्षिप्त जो व्याख्या उन्होंने की है, जेल में उन्होंने लिखी थी जो कैदियों को प्रवचन दिया करते थे उसका संग्रह, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति की जो गंगा है, सांस्कृतिक गंगा, इसके दो किनारे हैं, एक रामायण और एक महाभारत। महाभारत से ही गीता हमको मिली है। ये रामायण और महाभारत दो ऐसे किनारे हैं कि जब तक भारत की संस्कृति की गंगा इन दो किनारों के बीच बहती रहेगी, या दूसरे शब्दों में जब तक ये दो किनारे रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति की रक्षा करते रहेंगे, तब तक भारतीय संस्कृति की गंगा अबाध रूप से प्रवाहित होती रहेगी। जिस दिन इस पर आंच आ जाएगी उस दिन भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला कोई शेष रहेगा नहीं। आचार्य जी ने गंगा की गोद को अपनी कार्यस्थली चुना। अभी डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि 10 लाख लोग गंगा की गोद में एकत्रित हो रहे हैं और कुछ संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर के क्रियान्वयन की दिशा में वहां से विदा लेंगे। गोपालन होता है, वो विषय एक लंबा विषय है, उसको मैं छोड़ता हूं। और अंतिम बात गुरु, मैंने आचार्य जी का जितना साहित्य पढ़ा है, आजकल आप दूरदर्शन देख लीजिए, बहुत अच्छे चैनल आने लगे हैं, संस्कार, आस्था, दिव्य, कात्यायनी, शक्ति, अनेक बहुत अच्छे अच्छे चैनल आने लगे हैं। आप कोई चैनल सुन लीजिए, आजकल जितने कथावाचक और उपदेशक हैं सब एक ही बात कहते हैं कि हम गुरु हैं, गुरु की पूजा करो, और गुरु की पूजा और साधना करने से ही सारे कल्याण होते हैं। ईश्वर की चर्चा कम, गुरु की चर्चा ज़्यादा। मैंने अखंड ज्योति का निमित्त पाठक हूँ, आचार्य जी का जितना साहित्य मैंने पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं देखा कि उनने अपने आप को गुरु या आचार्य कहा हो। कहीं नहीं कहा उन्होंने कि मैं गुरु हूँ या मैं आचार्य हूँ, मुझे कोई चेले चाहिए, मुझे कोई भक्त चाहिए, मुझे कोई अपना मठ बनाना है, मुझे कोई अपना कोई एक संगठन चलाना है जिसके लिए मुझे भक्त और चेलों की आवश्यकता है, मुझे धन की आवश्यकता है, कहीं नहीं कहा। परंतु आज जो कोटि कोटि लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो उन्हें अपना गुरु और अपना आचार्य कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं। आज इस शांतिकुंज परिवार के अनेक सदस्यगण ऐसे हैं जिन्होंने कदाचित आचार्य जी का दर्शन भी नहीं किया, किंतु वे भी उन्हें अनुपस्थिति में भी अपना आचार्य और अपना गुरु मानने में गर्व की अनुभूति करते हैं।
अब ये समस्या और समाधान, ये समस्याएं हुई क्यों? समाधान की चर्चा करने के पहले ये सोचना जरूरी होता है कि समस्या क्या है और ये पैदा हुई क्यों। मैं बड़े रोचक दृष्टिकोण से आपके सामने बात रखना चाहता हूं, और मैं तो जैसा मैंने आपसे कहा, मैं कोई बड़ा चिंतक के विचारक नहीं हूं। मेरी समझ मोटी बुद्धि में बड़ी छोटी बात जो आती है वो ये है कि भारतवर्ष की सारी समस्याओं की जड़ केवल एक है, और वो ये कि हमने पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण किया। अंधे होकर के हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक आप विचार कीजिए, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, परंतु बड़ी गंभीर है बात। हम जब चर्चा करते हैं तो जब भारत की बात आती है तो हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, और जब पश्चिम की बात आती है तो हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता। एक तरफ संस्कृति है और दूसरी तरफ सभ्यता है। हमें अपने आप को, हो सकता है कुछ लोग हमें सभ्य ना मानते हों, पर हमें अपने आप को सांस्कृतिक कहने में गर्व की अनुभूति होती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि हम अपने आप को एक संस्कृतिवान देश और संस्कृतिवान का नागरिक अपने आप को समझते हैं। इस भौतिकवादिता के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। थोड़ा बहुत संकेत ज्ञान सुधा जी ने आपको दिया है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। यह हुआ क्या है, देखिए सभ्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता, सभ्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति स्थायी होती है, सभ्यता अस्थायी होती है। हजारों वर्षों तक विदेशों का हमारे ऊपर शासन रहा, हमारी जो सभ्यता थी, यदि विदेशियों ने जितने आक्रामक प्रहार हमारे ऊपर किए हैं वो कभी की खो गई होती, नष्ट हो गई होती। एक इकबाल ने बड़ा अच्छा मुक्तक लिखा है, वो इस संदर्भ में आप समय कहना चाहता हूँ, वह प्रासंगिक है। उर्दू के एक बड़े मशहूर शायर हुए इकबाल, उन्होंने लिखा है, उन्हें लिखा है कि ईरान मिश्र रोमा, इनकी भी संस्कृतियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। ईरान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है फिर भी लेकिन नामो निशान हमारा। ये सारी सभ्यताएं जो जो भी थी सब मिट गई, पर भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। बाकी है फिर भी लेकिन नामो निशान हमारा, है कुछ बात ऐसी कि मिटती नहीं है हस्ती, है कुछ बात ऐसी कि मिटती नहीं है हस्ती, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों प्रहार होते रहे हैं पर हम मिटे नहीं, बस दुख एक बात का होता है। हमारी संस्कृति पर जब विदेशी सभ्यता का आवरण चढ़ गया और विदेशी सभ्यता से हमारी संस्कृति ढक गई तो मुझे दुख होता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी रोगशैया पर थे, यूं कहूंगा अंतिम शैया, मृत्यु शैया पर। हम लोग उनसे शिष्टाचार भेंट करने गए, मनुष्य का बहू जी हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। कहने लगे बेटा आशीर्वाद तो क्या दूंगा, 1,00,000 का शेर देता हूं उसे याद रखना, 1,00,000 का शेर। उर्दू का एक शेर उन्होंने मुझे सुनाया, उस हमारे ग्वालियर स्टेट में उर्दू बहुत चलती थी, आज भी चलती है। उन्होंने कहा बस इसे गांठें बांध लेना, बोले कि सफीना हो गया घर के आब अपना, घर के आब यानी पानी में डूब जाना, सफीना यानी जहाज, कि हमारा जहाज पानी में डूब गया इसकी हमें तकलीफ नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता में डूब गई इसका हमें अफसोस नहीं है। अफसोस किस बात का है कि सफीना हो गया घर के आब अपना, इसका तो किसे गम था, मगर अफसोस ये है उस जगह पानी बहुत कम था। गहरे पानी में डूब जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छिछले पानी में डूब जाएं तो शर्म आती है।
हमारे साथ वही हुआ है। और आचार्य जी के शब्दों में यदि समस्याओं का जिक्र करूं तो इनकी पुस्तक है आज की समस्याएं आज की समाधान कल के, बड़े इस पुस्तक पर नज़र पड़ गई मैंने दीक्षित का, मुझे यही चाहिए क्योंकि भाषण देना आता नहीं, ये किताब पढ़ के भाषण दे दूंगा, भूल भाल जाऊँगा तो किताब से पढ़ दूंगा, इसी किताब से पढ़ रहा हूँ। आचार्य जी ने लिखा है, देखिए आप एक एक शब्द पर गौर कीजिए कि हम आज कहाँ हैं। वे लिखते हैं, मस्तिष्क विकृत, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित, पाचन अस्त व्यस्त, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणुओं की भरमार। पाश्चात्य सभ्यता ने हमें यही सब कुछ दिया है। कब लिख गए वो? तो फिर वस्त्राभूषण की भरमार, हम विदेशी वस्त्र पहनते हैं, क्षमा कीजिए मैं भी विदेशी वस्त्र पहने बैठा हूं, खड़ा हूं अफसान पैंट शर्ट, वस्त्राभूषणों की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन बेकार है, वस्त्र आभूषण जुटा देने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से कुछ भी नहीं होगा, जबकि स्वस्थ सुडौल होने के कारण सुंदर दिखने वाला शरीर गरीबी में भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेता है, आए दिन सामने आती रहने वाली समस्याओं से भी निपट लेता है और किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से प्रगति के साधन जुटा लेता है। वस्तुतः मैं तो साधनों या परिस्थितियों का नहीं, व्यक्तिगत स्वस्थता, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। वह सब उपलब्ध रहे तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न जिस जिस प्रकार के व्यवधान सामने आने पर भी अभ्युदय में कोई बाधा पड़ेगी। और आचार्य जी ने समाधान भी सुझाया, दो पंक्तियों में उन्हें समाधान सुझाया, अपने युग का अवतार हर किसी को दो संदेश सुनाएगा, दो संदेश सुनाएगा, एक आत्म परिष्कार और दूसरा सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। इन दोनों शब्दों पर आप गौर कीजिए, बस इसी पर मैं केंद्रित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक आत्म परिष्कार और दूसरा सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। ध्वंस और सृजन की ये दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दोनों तेजी से चलेगी और निरर्थक टीलों को गिराती, भयंकर खड्डों को पाटती हुई सब कुछ समतल करती चली जाएगी। ऐसा समतल जिस पर नंदन वन और चंदन वन जैसे अगणित उद्यान लगाए जा सकें। इतनी सुंदर पुस्तक है, मुझे लगा कि इस पुस्तक के एक एक वाक्य हमको अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अभी अभी इस क्रांति दूत का विमोचन आपके सामने हुआ, डॉक्टर साहब ने किया, मुझे भी उनके साथ कराने का सौभाग्य आपने दिया। मैंने कुछ पृष्ठ पलट रहा था इसके, इसमें एक उद्धरण है, ये तो इसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे मुझे विश्वास है। और ये पुस्तक, ये जो स्मारिका है, अक्सर करके स्मारिका निकल जाती हैं, ऐसी स्मारिका कि वो कहते हैं कि आप याद रखना और आप घर जा करके भूल जाते हैं कि हम कुछ लाए भी हैं, ऐसी स्मारिकाएँ निकलती हैं। पर ये स्मारिका नहीं है, क्रांति दूत है। और ये क्रांति दूत है, इसका प्रत्येक पृष्ठ, इसका प्रत्येक विचार आप गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। इसमें एक टॉइन बी का एक प्रसंग उद्धृत है, इसके पृष्ठ 13 पर, जिन्होंने स्टडी ऑफ हिस्ट्री 12 खंडों में प्रकाशित हुई है और विश्व भर के विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों ने इसे सराहा है, उन्होंने कहा है, लिखते हैं वे कि उन्होंने कहा, दो विश्वयुद्ध मैंने अपनी आंखों से देखे और विश्व युद्ध की विभीषिका से मैं परिचित हूं, पर तीसरा विश्व युद्ध और होगा और तीसरा विश्व युद्ध इतना विनाशक और इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वे लिखते हैं कि इस बार का ध्वंस पहले हुए से भी ध्वंसात्मक रूपों से अधिक भयावह और अधिक व्यापक होगा,
लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यपूर्ण बात यह है कि इसके साथ सकारात्मक सृजन की गतिविधियां भी चलती रहेंगी। जो ध्वंस होगा उसमें प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित सभी ढांचे ढहेंगे, साथ ही सृजन के नए सूत्र और सत्य उभर कर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो चुका है कि जिस अध्याय की शुरुआत पश्चिम से की गई है, अब देखिए आप ये विदेश का विद्वान क्या लिख रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस अध्याय की शुरुआत पश्चिम से की गई है, जिस विनाश की शुरुआत, उसका समापन भारत से करना होगा। यदि अंत को मानव जाति के लिए आत्मघाती होने से बचाना है, इतिहास के इस खतरनाक मोड़ पर मनुष्यता के लिए उद्धार का एकमात्र उपाय भारतीय तौर तरीके और भारतीय जीवन शैली में निहित है। अखंड ज्योति का नवीनतम अंक डॉक्टर साहब ने प्रसाद रूप में मुझे प्रदान किया है और प्रसाद तो पाते ही पा लेना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न से खोल लिए। इसमें आचार्य जी ने लिखा है, वे युग दृष्टा थे और उन्होंने अपने समय से पहले बहुत वो बातें कह दी थी जो आने वाले वर्षों में घटित होने वाली थी। इसमें एक प्रसंग है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हो चुकी थी, सब तरफ खुशी का माहौल था, हालांकि इसमें कहीं देश के विभाजन का गम भी छिपा था। परम पूज्य गुरुदेव गुजरात के कार्यकर्ता हितेश भाई पटेल के साथ मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना तट पर बैठे हुए थे। हितेश भाई ने उनसे कहा, गुरुदेव राष्ट्र के इतिहास में ये बहुत महान परिवर्तन है, यद्यपि आपने इसे 10 वर्ष पहले ही बता दिया था। 10 वर्ष पहले कह दिया था गुरुदेव ने ये बात। इस पर गुरुदेव थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महान क्रांतिकारी परिवर्तनों की श्रृंखला तो अभी भविष्य के गर्भ में है, इसकी शुरुआत 21वीं सदी से होनी है। गुरुदेव ये जानते थे कि 21वीं सदी के प्रारंभ में उनके जन्म का शताब्दी वर्ष भी होगा और इसलिए उनके जन्म के शताब्दी वर्ष से और 21वीं सदी से आने वाले शुभ समय की शुरुआत का सूत्रपात होगा, इस बात को गुरुदेव ने स्वयं कहा था। हमें इस संकेत को पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अभी आपके सामने 2 शब्द गुरुदेव के लिखे हुए पढ़े जो ने समाधान के संदर्भ में कहे हैं, आत्म परिष्कार और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। थोड़ी हिंदी क्लिष्ट है, मेरे जैसे सामान्य आदमी को समझने में भूल होती है और कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो टंग ट्विस्टर साबित होते हैं, सत प्रवृत्तियां कहने में जरा जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझ जैसे बहुत से लोग आगे भी आएंगे, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ेंगे, तो इनकी सरल बात कह दूं। तो उन्होंने सरल बात कही कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बस आत्म परिष्कार और युग धर्म का परिवर्तन गुरुदेव ने सरलतम भाषा में कह दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उनका संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण चिंतन इसके आसपास केंद्रित होता है। हमारे शाश्वत साहित्य में एक बड़ा सुंदर दोहा आता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना देखा कोय, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोय। हम में से हर एक पर छिद्रान वेशन में लगा हुआ है, अपनी तरफ देखने का तो उसे समय ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि युग को सुधारना है तो पहले अपने को देखो। मुझे एक बोध कथा यही अखंड ज्योति की मुझे ध्यान में आई। कहते हैं कोई बायजिद नाम के एक फकीर हुए हैं। वो फकीर, जैसे गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भी अपने आप में क्रांतिकारी थे, तो और युवक थे, पुष्ट संपुष्ट कसती शरीर, उत्साह से भरा हुआ,
तो उन्हें एक संकल्प लिया बायजिद ने कि मैं सारी दुनिया को ठीक कर दूंगा। ठीक है, होते हैं लोग संकल्प लेते हैं, बोले सारी दुनिया को ठीक कर दूंगा। युवावस्था में संकल्प लिया, समय आया, निकलता गया, युवावस्था समाप्त होने को आई, उनने देखा कि दुनिया तो जहाँ थी वहीं है, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। उनका छोड़ो इस दुनिया को, फालतू अपना समय खराब किया, अब मैं एक काम करता हूँ, अपने शहर और अपने समाज को ठीक करूँगा। उसमें जुट गए, प्रौढ़ावस्था आ गई। जब उन्होंने अनुशीलन किया तो पता लगा कि उनका शहर और उनका समाज तो वही है जहाँ कभी हुआ करता था, कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, काम तो करना है, जीवन तो व्यर्थ नहीं जाना है, तो संकल्प लिया कि अब सबको छोड़ो, मैं अपने परिवार को सही करूँगा, मेरे परिवार में भी अनेक विसंगतियाँ हैं, मैं अपने परिवार को सुधारूँगा। इसमें जुट गई और वृद्धावस्था में प्रवेश ले लिया। आभास होने लगा कब तो समय आ रहा है। परिवार की परीक्षा की तो देखा परिवार भी वहीं था जहाँ से शुरू हुआ था। उस दिन बड़े निराशा के स्वर में एक बात कही बायजिद ने कि मैंने व्यर्थ ही दुनिया को, समाज को, परिवार को ठीक करने का संकल्प लिया। यदि जीवन की शुरुआत में मैंने एक ही संकल्प ले लिया होता कि मैं अपने आप को ठीक करूँगा, तो सारी दुनिया ठीक हो गई होती। और इसलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, उसने लिखा है कि हमारी जात पर मौकूफ है तंजीम आलम की। हमारी जात मतलब सेल्फ, हमारे अपने पर मौकूफ यानी डिपेंडेंट आश्रित, और तंजीम आलम की मतलब दुनिया की बेहतरी। हमारी जात पर मौकूफ है तंजीम आलम की, हमारा एक सुधर जाना है दुनिया का सुधर जाना। सारी दुनिया का कल्याण, सारी दुनिया की बेहतरी इसमें समाहित है कि हम अपनी बेहतरी कर लें, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। प्रश्न ये कि हम दुनिया को देखते किस दृष्टिकोण से। अब गुरुवर की, आचार्य जी की जो सारा चिंतन और साहित्य है, उसमें जितना पढ़ा है, उसके आधार पर 5 सूत्र मेरे निकाले हैं मेरे अपने मार्गदर्शन के लिए। पर आज अवसर मिला है तो आपके साथ बांट लेता हूं, उसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट तो आचार्य जी का, मेरा नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि भारतवर्ष का कल्याण और सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है। सारी समस्याओं का समाधान भारतीयता में है। और ये भारतीयता क्या है? संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, ये तीनों हमारे अपने हैं। भारत की भाषा संस्कृत, भारत की संस्कृति और भारत की के संस्कार। जिस दिन हम इन तीनों चीज़ों का अनुकरण कर लेंगे और अपने व्यक्तित्व में इनको समाहित कर लेंगे, ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मेरे परिचय में बताया गया कि देश की न्यायपालिका का जो सर्वोच्च स्थान हो सकता है, गुना जैसे 50,000 की आबादी के शहर से उठ करके मैं यहाँ आकर के मुझे बैठा दिया। ऊपर वाला जिसको देना चाहे, वो कहते हैं ना कि अंधे को दिखा देता है, लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ा देता है और रंग के सिर पर छत रखा देता है, तो उसकी दुनिया में कोई बात, उसकी मिल्कियत में कोई बात असंभव नहीं है। उसने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बात का केवल मुझे दुख है अपने जीवन में, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे मेरे जीवन में जो मिला उससे मुझे पूरी तरह संतोष है। बस एक बात की न्यूनता मुझे है और मैं चाहता हूँ कि मेरी न्यूनता से आप सबक सीखें, जो मैं नहीं कर पाया वो आप अपने बच्चों के लिए करें। मैंने संस्कृत नहीं सीखी, इस बात का मुझे आज भी अफसोस है। मैंने उर्दू पढ़ ली, संस्कृत नहीं पढ़ पाया और ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी कमी रह गई है। मैं अपने परिवार में कहता हूँ, परिवार के बच्चों से कहता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो, संस्कृत जरूर सीखो। संस्कृत ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण विश्व में इतना ज्ञान किसी भाषा में नहीं है जितना संस्कृत में उपलब्ध है। मैं इस विषय पर एक अलग लंबी चर्चा होगी, पर एक बात उदाहरण कर छोड़ दूँ। मैं जर्मनी गया था, बर्लिन, बर्लिन के पास एक छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड में एक यूनिवर्सिटी है।
हिंदुस्तान के लोग जर्मनी जाते हैं, उस आइलैंड की यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी का विषय पढ़कर के आते हैं, और भारतवर्ष के सारे ग्रंथ, अनेक हस्तलिपियां उस विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां जाकर के वो इंडोलॉजी पढ़कर के मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट लेकर के आते हैं। अब ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि भारतवासी जर्मनी जाकर के इंडोलॉजी की शिक्षा लेकर के डॉक्टरेट करके लौट कर आता है भारतवर्ष में। खैर, गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा और विद्या में अंतर है। अंग्रेजी में शिक्षा और विद्या समानार्थी शब्दों में प्रयुक्त होती है, परंतु हमारी भाषा में शिक्षा और विद्या में अंतर है। और गुरुदेव की पुस्तक में मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा होना तो खैर शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, पर वो शिक्षा व्यर्थ है जो व्यक्ति को शिक्षित तो बनाती है पर विद्यावान नहीं बनाती, वो शिक्षा व्यर्थ है। और शिक्षित व्यक्ति विद्यावान होने का अधिकारी कब कहलाता है? जब शिक्षा में संस्कार का संयोग हो जाता है तो वही शिक्षा विद्या बन जाती है। इसलिए संस्कार विहीन शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा के साथ जहां संस्कार और संस्कृति का संयोग हो जाता है वही शिक्षा विद्या बन जाती है। तीसरी बात, दूसरी बात, गुरुदेव के किसी साहित्य में आपको निराशा की बात नहीं मिलेगी, दो बातें नहीं मिलेगी। मैं आज आपको चुनौती देता हूं, आचार्य जी का बहुत सा साहित्य आप पढ़ते हैं, और अब जब पढ़ें आगे या कभी दोबारा पढ़ें तो मेरी एक चुनौती के साथ पढ़िए। मैं उस व्यक्ति को पुरस्कार दूंगा अपनी ओर से, व्यक्तिगत रूप से, और अच्छा पुरस्कार दूंगा जितना मेरे दे सकता हूं, अपनी क्षमता ज्यादा, वो मुझे एक काम कर दे। आचार्य जी के साहित्य में किसी की निंदा, आलोचना या निराशा का एक वाक्य भी निकाल करके दे दे कि जहां उन्होंने किसी की आलोचना की हो, किसी की निंदा की हो, या किसी को डराया हो कि आगे आने वाला समय तो बड़ा खराब है, आदमी डर जाए, निराशा में डूब जाए, उनका संपूर्ण साहित्य, चिंतन और दर्शन सकारात्मक है, आशा का संचार करता है। हम लोग दिन रात रोते रहते हैं, दुख पीड़ा से चिंतित रहते हैं, हमको कोई सकारात्मक सोच देने वाला चाहिए। उन्होंने अपने साहित्य में हमें सकारात्मक सोच दिया, उस ओर उन्होंने हमें प्रेरित किया। हम लोग, बहुत से लोग संकल्प लेते हैं, कभी बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, कभी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। तो एक मेरे एक मित्र शायर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा कि यूं तो देखा करती है हर आंख स्वप्न, लेकिन सबको सपने देखने का अधिकार है, हर आंख सपने देखती है, पर सपने देखने का अधिकारी कौन है? कि यूं तो देखा करती है हर आंख स्वप्न, लेकिन स्वप्नों का अधिकारी वह जो स्वप्नों को साकार करे। सपने देखने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जिसे सपनों को साकार करने की क्षमता है। अक्सर क्या होता है, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग मजे लेते हैं। कैसे मजे लेते हैं? किसी ने विरोध में कहा, थोड़ा शेर एक थोड़ा सा रोमांटिक है पर विषय से प्रासंगिक है, कुन्ने का, हम उनकी यादों में इतने खोए रहते हैं, बड़ी याद आती है उनकी, कि हम उनकी यादों में इतने खोए रहते हैं कि शायद वो सपनों में आए इसलिए दिन में भी सोए रहते हैं। मित्रों, आदरणीय देवी और सज्जन वृंद, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने बीच आने का अवसर दिया। मैं भी डॉक्टर साहब को सुनना चाहता हूँ और उनसे प्रेरणा भी लेना चाहता हूँ। मैं तो आचार्य जी का इससे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उनका विचार सार्थक होगा, सफलीभूत होगा, इसलिए होगा कि उन्होंने उस क्रांति का प्रचार और प्रसार करने के लिए हमें सेना भी दी है और सेनापति भी दिए, और ये सेना के सैनिक बड़े मज़ेदार लोग हैं। इस सेना में शरीक होने, भर्ती होने के लिए न तो कोई योग्यता चाहिए, न कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए,
न कोई कदकाठी चाहिए, न कोई प्रवेश परीक्षा देनी होती है, न कोई आवेदन पत्र देना होता है। जो चाहे वो इस सेना में शरीक हो जाए, बस एक ही शर्त है कि पीले वस्त्र पहन ले, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सेनापति आपके सामने मौजूद हैं, तो उन्हें सेना भी दी है, सेनापति भी दिए हैं, और अपनी सेना का संचालन वे बड़ी कुशलता के साथ कर रहे हैं। और इसमें न कोई जात का भेद है, न कोई धर्म का भेद है। जात पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। इसमें हर व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। केवल एक अंतिम एक मिनट का एक प्रेरक एक बोध कथा जो अखंड ज्योति में पड़ी थी वो कह करके बस अपनी बात को समाप्त करके अपनी अनुमति लेता हूँ कि अकबर के नौ रत्नों में एक थे अबुल फजल, संपन्न थे, खूब दिल खोल के दान देते थे, और दान देते समय आंखें बंद रखते थे, नीचे रखते थे आंखें। तो जब वो दान दिया करते तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई अबुल फजल साहब, हमारे धर्म में तो ये कहा है कि मुसलमानों को ही आपको दान देना चाहिए, उससे पुण्य मिलता है, आप तो गैर मुस्लिमों को भी देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अबुल फजल ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, शायद कहीं ये लिखा होगा कि मुसलमानों को यदि वे दान देते हैं तो जन्नत में उन्हें महल मिलता है, और यदि वे गैर मुसलमानों को देते हैं तो उन्हें दोजख में जगह मिलती है, यानी स्वर्ग में महल मिलता है या नर्क में जगह मिलती है यदि मुसलमानों को दें या गैर मुसलमानों को दें। तो अबुल फजल ने कहा कि भाई मुझे ये पता नहीं है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए दोनों जगहों पर मैं अपना इंतज़ाम कर रहा हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आगे आने वाला जो 6 से 9 नवंबर तक का जो कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, 10 लाख व्यक्ति उसमें शरीक हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का आदेश है, मैं भी पूरा प्रयत्न करूँगा कि उसमें सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिल पाए। आचार्य जी ने जो सूत्र हमें दिया है वो महत्वपूर्ण है। इस क्रांति के हम केवल साक्षी नहीं बने, इस क्रांति के योद्धा बने, और लोक कल्याण के भाव से हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करने का संकल्प लेकर के और अपने संकल्पों को सार्थक करने का उत्साह लेकर के हम जुड़ें तो हमारा ये आयोजन भी सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद परम श्रद्धे लाहौटे जी को। निश्चय ही व्यक्ति के जीवन का अध्यात्म उसकी वाणी में कहीं ना कहीं मुखर होता ही है। उनकी जीवन साधना हम और उनके उद्गार हम सबको इस बात के लिए सोचने के लिए विवश कर रहे हैं कि सहज ही सारे समाज ने ढेर सारी मानद उपाधियाँ और अलंकरणों से उनको जो संबोधित किया है उसमें ढेर सारी उपाधियाँ आध्यात्मिक जगत से भी, तो निश्चय ही उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और विषय को इतनी गंभीरता से और विषय के इतने मूल तथ्यों को हमारे समक्ष रखने का जो क्रम रहा वो अत्यंत श्रेष्ठ और हम सब के लिए प्रेरणाप्रद रहा। बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों बहनों, ये समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक छोटा सा कार्यक्रम बीच में एक हमारे उद्गाता बंधुओं का गीत होना था, उसको स्किप करते हुए मैं बहुत सम्मानपूर्वक आदरणीय लाहौटी जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए ये बात कहता हूँ कि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी व्यक्ति नहीं एक विचार है। अखंड ज्योति की अवधारणा परम पूज्य गुरुदेव से, अखंड ज्योति का चिंतन पूज्य गुरुदेव से लेकर हम सबके बीच ना भारतवर्ष में वरन देश विदेश में उस आंदोलन को गति देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी सदाराम। एक बार कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री महामंत्र सबको प्रेरणा देने वाला मंत्र और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला मंत्र। आदमी सहज रूप में श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलता, क्योंकि बुरा मार्ग जो है वो सहज ढलान की ओर ले जाने वाला है और स्वाभाविक रूप से उधर जाने का मन करता है। ऐसे में सविता की प्रेरणा, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर्यः, वो सूर्य जो हम सुंदर प्रेरणाओं के द्वारा हमें श्रेष्ठताओं से
अभिप्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो सूर्य गायत्री मंत्र के देवता हैं। उन सूर्य भगवान से प्रार्थना है कि हमारे रोम रोम में, कण कण में गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रकाश की प्रेरणाओं को समाहित करें और हमारे जीवन को अच्छाइयों की ओर ले चलें। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पूरे सम्मान के साथ हमारे बीच में बैठे हुए और हम सबको अभी अभी अपने बहुत ही प्रेरक शैली के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के बारे में इतना विस्तार से जो बताने का प्रयास किया, ऐसे हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के माननीय श्री लाहौटी जी, हमारी बड़ी बहन ज्ञानसुधा मिश्रा जी जो इस समय सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज हैं और नारी जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपेक्स कोर्ट में, जिन्होंने हमें बताया कि विचार क्रांति ही एकमात्र समाधान है, ऐसे हमारे दो विशिष्ट अतिथि, आप सब हमारे अतिथि जो हमारे बीच में 11 बजे से बैठे हैं और आप सब इस कार्यक्रम के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और इस विचार क्रांति अभियान के बारे में जानना चाह रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। भाइयों बहनों, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में ढेर सारी समस्याएं हैं। आदमी को आज अगर पूछा जाए, अभी 4-5 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और सबसे ज़्यादा जो कार्टून आते हैं पेपर में वो भी यही आते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आज कष्ट है किसी को वो गृहिणी से कष्ट है। घर में जाते हैं तो गृहिणी परेशान करती है कि देखो ये रसोई गैस इतनी महंगी हो गई, अब इतना खाना कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। छोटी छोटी चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। एक आम आदमी के जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हैं, परंतु न जाने कहां से हम लोग सब सेट कर लेते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा कोई एडेप्टेबिलिटी का एक ऐसा कोई पैरामीटर है जिससे हम अपने आप को सेट कर लेते हैं। हम कहीं जाना हो और हमें अगर मान लीजिए टिकट ड्यू कोर्स में नहीं मिल रहा हो तो हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, उसको सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करना वर्ड जो है आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। सेटिंग इन्हें पैसा दे दिया और टिकट कंडक्टर से बात कर ली, सब कुछ हो गया। कहीं और भी कोई काम करना हो, फ्लैट लेना हो, फ्लैट में कहीं किराए का मकान लेना हो या अपना खुद का मकान बनाना हो दिल्ली जैसी जगह में, तो उसकी भी सेटिंग हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के लिए आदमी के अंदर एक छोटा सा एक वो है जिसको ये कहा जाए कि उसका आसुरी पक्ष, उसका एक वो वाला पक्ष जिसको कि कहा जाए कि मतलब पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा एक व्यक्ति के अंदर पक्ष है और वो अक्सर हावी होता रहता है। मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बेटे बेटियों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए क्या कर सकता हूँ, वो हावी हो जाता है। अपनापन, अपना स्वार्थ, जब ये एक तरफ रह जाए और समाज सामने आ जाए, जब ये एक तरफ रह जाए और सारा समाज और सारा विश्व सामने आ जाए, जब ये एक तरफ रह जाए और सारी इकोलॉजी और इकोसिस्टम सामने आ जाए, जब ये एक तरफ रह जाए और केवल आदर्श ही आदर्श सामने रहे, आदर्शवादिता सामने रहे, तो उसको कहते हैं समस्त समस्याओं का समाधान, उसको कहते हैं विचार क्रांति। ये विचार क्रांति, जब विचार अंदर से आमूलचूल बदल जाए। मैं भगत सिंह की एक बात से बात बताना चाहूँगा। भगत सिंह के पिता ने माफ़ी का पत्र लिखा और कहा इस बच्चे से गलती हो गई, इसको माफ़ कर दीजिए। अंग्रेज सरकार के पास जब पत्र गया तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का पत्र आया है और तुम्हें माफ़ी हम दे सकते हैं यदि तुम इसमें कह दो कि हाँ तुम इसे सहमत हो। बोले ऐसा अगर कोई पत्र लिखा है तो मेरा पिता नहीं हो सकता, ये मेरे जन्म देने वाला, ये मेरा पिता नहीं हो सकता।
अगर ये मेरा पिता है तो मैं इसको नकारता हूं और मैं किसी भी हालत में अपनी माँ के लिए, अपनी राष्ट्र राष्ट्र भूमि मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए मैं मरना चाहता हूं। ये मेरी जन्मभूमि है और ये मैंने इससे विवाह किया। एक बार उनकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे लिए लड़की देखनी है, तेरे लिए लड़की देखनी है, तो उसने कहा मेरी शादी तो हो गई, मेरी कुड़माई हो गई, सगाई पंजाबी में। उसके बाद कुड़माई हो गई किससे हो गई, बोले मेरी कुड़माई धरती माता से हो गई, इस देश की भूमि से हो गई, अब मेरी शादी कहीं और नहीं हो सकती। एक लड़की ने प्रेम पत्र लिखा और कहा कि अगर भगत सिंह तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं शहीद की पत्नी कहलाऊंगी, तुम तो जा ही रहे हो ऊपर, तुम्हारे बाद मेरा सम्मान होगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा बहन तूने बहुत गलत काम किया है, तुझे अगर कुर्बानी देनी है तो देश के लिए दे जैसे मैंने दिया है। ऐसे लोगों ने इस देश की भूमि को सींचा है, ऐसे लोगों ने इस देश को खड़ा किया है जहां हम हैं। और वहां मित्रों इतना भ्रष्टाचार कि लोग ये कहने लगे हैं कि एक तिहाड़ जेल और बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने जा रही है। आप कल्पना कीजिए, यह हमारे देश की स्थिति है कि सारे के सारे जितने भी हमारे विश्व भर में भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं विश्व भर के भ्रष्टाचार में सर्वोपरि अगर कोई है तो भारतवर्ष है। प्रथम 5 जो देश आते हैं उनमें सोमालिया है, उनमें नाइजीरिया है, उनमें पाकिस्तान है, उनमें भारतवर्ष है, और भी कई देश हैं, परंतु पहले 5 देशों में हमारा देश। आखिर क्या बात है कि इसी भ्रष्टाचार को इसी भारत के नागरिकों के द्वारा सबसे ज़्यादा इसके विरोध में बल मिला और अन्ना हजारे को इतना समर्थन मिला। अन्ना हजारे को जितना समर्थन मिला, जितने लोगों ने अपनी वहाँ पर हाजिरी दी, जितने लोगों ने अपना समर्थन मीडिया पर दिया, अगर वो वास्तव में हैं, वो वास्तव में अपने विचार बदलने के लिए तैयार हैं, तो मित्रों मैं कहता हूं इस देश को बदलने में एक दिन नहीं लगेगा, एक रात के अंदर बदल जाएगा पूरा इस देश के अंदर। इतनी ताकत। श्री अरविंद ने एक बात कही है कि पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म हो रहा है। वही बात हमारे आदरणीय सम्माननीय लाहौटी जी भाई साहब ने कही, आपने कहा कि पश्चिम का अंधानुकरण, हमने जबरदस्त अंधानुकरण किया है, और अंधानुकरण करके हम लोगों ने उसके पीछे पड़ करके भारत पश्चिमी सभ्यता को अपने जीवन में ऐसा उतार लिया कि उसके बिना काम नहीं चलता, काम ही नहीं चलता। बल्कि थोड़े दिन पहले तो 20-25 साल पहले तो इतना भी नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा विदेश जा पाते थे। अब तो क्या हो गया कि हर कोई विदेश जाता है, हर कोई विदेश चला जा रहा है, और विदेश जाने के लिए केवल एक वीज़ा ही बाधक है, नहीं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा आराम से लोगों के पास आ गया है। न्यू रिच वर्ग, मध्यम वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग इतनी तेजी से बढ़ा है कि उसके पास बहुत सारा साधन आ गया। अपव्यय करने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी है। सारी समस्याएं आज इसी वजह से पैदा हुई हैं। अपव्यय करने के लिए आपके पास पैसा है, और उसके लिए बेईमानी पैदा करने के लिए आपके पास पैसा है। अगर ये है तो फिर हमें कहीं ना कहीं समाधान खोजना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव इसी किताब में, जिस किताब को अभी माननीय हमारे लाहौटी जी ने बताया, इसमें लिखा है कि उस रानी मधुमक्खी का छत्ता खोजना पड़ेगा जहाँ से सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। वो रानी मधुमक्खी कहाँ है, तो गुरुदेव ने लिखा है विचार विपर्यय, विचार लोगों के गड़बड़ा गए हैं। इन गड़बड़ाए हुए विचारों को कैसे सही दिशा में लाया जाए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, निषेधात्मकता, कहीं कुछ नहीं होने वाला, सब गड़बड़ा गया है, सब गड़बड़ है, खुद को कोई नहीं देखता। नोबडी वॉचेज हिमसेल्फ हरसेल्फ, दे वॉच एवरीवन। सारी दुनिया को गाली देंगे पर अपने आप को कभी नहीं देखेंगे। पान की दुकान पर खड़े होकर बकवास करेंगे, गपशप करेंगे, और रात को देर तक बैठ करके क्लबों में पार्टियों में शराब पी के खूब खूब बहस करेंगे, पर कभी ये नहीं कहेगा कोई कि आज से मैं अपने आप को बदलने को तैयार हूं। तुम लोग बदलने को तैयार हो मेरे साथ तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर भी मैं अकेले चलने को तैयार हूं। कोई क्यों नहीं कहता ऐसा। यहां से चालू होती है यात्रा, समस्त समस्याओं का समाधान यहां से है मित्रों, यहां से अपने आप से। जैसे ही आपने नजरें जो झुकाई और देख ली तस्वीर, यार कहां है भगवान, भगवान यहीं अपने अंदर। इसी भगवान को धोखा देते हो संसार में, दूसरों के पास जाते हो, पर इसी को देखते समय तुम लोग शर्म नहीं आती तुमको कि तुम्हारे अंदर ही अपना परमात्मा बैठा हुआ है। हमारे भगवान ने गीता में कहा है ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश इस जीव के अंदर सनातन रूप में यहां मौजूद है, पर इसी के अंदर देखने की हमारी इच्छा नहीं होती। आखिर क्यों? परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लोगों को उस पर पिन पॉइंट करके निगाह डालने की बात बताई। उन्होंने कहा ये एक प्रकार से एक दैत्य की तरह से, अगर आपने कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो, नवरात्रि आ रही है, दुर्गा सप्तशती में एक दैत्य का वर्णन आता है जिसका नाम है रक्तबीज। उसका रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक दानव खड़ा हो जाता है।
अब जैसे जैसे उसको काटने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं दानों को, तो जितनी बूंदें गिरती हैं उतनी बूंदों को वो उतनी बूंदों से उतने राक्षस खड़े हो जाते हैं। तो कम करीब करीब 24-25 शक्तियाँ चंडी की, दुर्गा की आती हैं और सारी की सारी जो हैं उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। पहले तो लड़ रही थी साथ साथ, फिर समाहित हो जाती हैं। तो वो कहता है, रक्तवीर चिल्ला के कहता है कि इतनी सारी सहेलियों के साथ युद्ध करती है, तरह में बल हो तो अकेले मुझसे लड़। तो बोले ये सब मेरी ही शक्तियां हैं जो मेरे साथ हैं। और उसके बाद हजारों हाथों से जहां जहां रक्त गिरता है वो खप्पर में उठा उठा के उसको पीती चली जाती है, रक्त बीज समाप्त हो जाता है। मित्रों, आज रक्त बीज सारे समाज में फैल गया है, इसका नाम है कैंसर। और ये रक्त बीज एक प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में, अचिंत चिंतन के रूप में, दुर्गुणों के रूप में, दुर्विचार के रूप में, हमारे अंदर की एक ऐसी बेईमानी के रूप में फैल गया है कि इसको यदि ठीक करना है तो अंदर की दुर्गा शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमारे अंदर की दुर्गा शक्ति जागेगी तो हम इससे मोर्चा ले सकेंगे। और इसको मोर्चा लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें केवल अपने अंदर एक सद्विचारों का दीपक जलाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। हमारे अंदर एक ऑप्टिमिज्म आ जाए, हमारे अंदर एक ऐसा विचार आ जाए कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन लाने की क्षमता हम में है। मैं मित्रों, अभी थोड़े दिन पहले अन्ना हजारे जी को आमंत्रित करने गया, मैं उनके पहले भी, इसके पहले भी उनके जा चुका हूँ, 3 दिन रह भी चुका हूँ उनके साथ, और वो मेरे मेहमान भी, मेहमान के नाते वो हमारे, हम मेहमान थे उनके, तो मेजबान होने के नाते हमारे कार्यक्रम में भी आए और हमारे संबोधन भी दिया। आचार्य जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वो। परंतु अभी मैं गया तो मैंने देखा वो मीडिया चारों तरफ उनको घेरे हुए है। तो मेरे से जब मिलने के लिए आए अलग कोने में बैठे, तो बोले मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मीडिया मेरे पीछे पड़ा है। मैंने कहा आपने आग लगा दी है रावण की लंका में, अब आपने आग लगाई है रावण की लंका में तो झेलो। मीडिया के आपने कहा है तो मीडिया आपके सामने आएगा ही, मीडिया आपसे पूछेगा आगे क्या रणनीति है, आगे क्या रणनीति है। तो मैंने कहा आप थोड़े दिन के लिए मौन साधना करने के लिए शांतिकुंज आ जाओ, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं भ्रष्टाचार कैसे भागेगा, हमको मालूम है ना भ्रष्टाचार कैसे भागेगा, इसलिए आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप आके वहाँ साधना कीजिए। मित्रों, मुझे उस आदमी का जीवन उसकी जीवन शैली इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यह आदमी इतना पराकाष्ठा पे पहुंचा, शिखर पे पहुंचा, इसके बावजूद भी इसके जीवन में जरा सा विकार नहीं आया। आज ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है जो पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, जीवन की चरम पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, प्रसिद्धि की चरम पे पहुंच जाएं, फिर भी जीवन में कहीं विकार ना हो, कुछ भी ना हो। ऐसे निर्विकार पुरुष के रूप में मैंने अपने गुरु को देखा, जब लोगों ने उनके पास आके कहा गुरुदेव सारे भारत में 108 कुंडी यज्ञों की विराट श्रृंखला, हम जहाँ गए वहाँ हमारे गले में मालाएँ पड़ रही थी, इतना स्वागत कि माला उतारते फिर मालाएं पड़ जाती थी, हजारों मालाएं हम लोगों ने उतार उतार के रखी होंगी। आप इस बार एक बार चलें, 1988 की बात है, 87-88 की, आप एक बार चलें तो आपको पता लगेगा कितना सम्मान आपका है। और आप चलिए, हम लोगों को सम्मान मिला है। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई कि सम्मान तुम्हारा था? तो लोगों ने कहा कि साहब माला तो हमारे गले में पहनाई गई थी। बोले बेटा माला तो तुम्हारे गले में पहनाई गई थी, पर वो पहनाई गई थी इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें पहनाई गई थी। अगर तुमने मेरा पाथ न लिया होता, मेरा स्तन मेरे रास्ते पर न चले होते तो शायद ये माला तुम्हें न पहनाई जाती। मित्रों, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सारा सम्मान दुनिया के सामने हो उसके बाद भी उसको नकार देना। स्वाधीनता संग्राम सेनानी का एक पत्र लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया आदरणीय गुरुदेव के पास, और परम श्रद्धेय गुरुदेव ने उसको ये कहा कि क्यों लेके आए भाई, मैंने अपना रोल प्ले कर दिया और आज 50 साल बाद सरकार को याद आई है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं इसका क्या करूँगा। बोले आप रख लीजिए गुरुदेव उसको, इसके साथ एक पेंशन भी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, फर्स्ट क्लास का टिकट भी आपको मिलेगा, आपके रिश्तेदारों को भी सबको मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न फर्स्ट क्लास मुझे चाहिए, न मेरे रिश्तेदारों को चाहिए, पेंशन जो है इसको आप जरूर जमा कर दीजिए प्रधानमंत्री कोष में, और उसमें जमा कर दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन भर दो खादी की धोती और दो खादी के कुर्ते में उन्होंने जीवन काट दिया मित्रों, और अपने लिए कुछ नहीं रखा। उससे ही मिशन खड़ा हुआ है, इससे ही सेना खड़ी हुई है पूरी की पूरी। और अगर आज अगर किसी तरह का अगर हम विचार सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आज माननीय लाहौटी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि इस सेना में शामिल होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल पीले कपड़े पहनने की जरूरत है। इस सेनापति के सामने कहा, सेनापति को थोड़ा सा बुरा लगा, क्यों? केवल पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, जब तक पीला मन नहीं होगा, जब तक अंदर से सारी की सारी चीज़ें छोड़ने की बात मन में नहीं आएगी, जब तक ये मन में नहीं आएगा कि अपनी बुराइयों को मैं छोड़ूंगा और जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक मैं गायत्री पर्व सदस्य नहीं बन सकता। अखंड ज्योति पढ़ो, अखंड ज्योति को जीवन में भी उतारो,
यज्ञ करो, यज्ञीय जीवन शैली को उतारो, गायत्री का जप करो, पर गायत्री का चिंतन जीवन में उतारो, तब तक तुम्हारा पीला कपड़ा तुम्हारे को फलेगा नहीं, तुम्हें परेशान करेगा, बार बार टोकेगा, बार 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 परेशान करेगा, क्योंकि ये सद्विचार का एक बीज है। पीला कपड़ा पहनना, जैसे मैंने पीला दुपट्टा ओढ़ रखा है मान लीजिए, और मैं अगर आपके सामने कुछ बात कह रहा हूँ, तो ये मुझे बार 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 टोकती है कि तुमने ये जीवन में उतारा कि नहीं। आज सबसे बड़ी बात यह है, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक, जो आप कह रहे हो उसको जीवन में उतारो, जो आप कह रहे हो उसको जीवन में उतारो, जीवन में नहीं उतार पाए तो कोई फायदा नहीं है। मित्रों, ये आज की सबसे बड़ी परेशानी है, आज की समस्याओं का समाधान एकमात्र यही है, ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी, जो आप कह रहे हो उसको करके दिखाओ। और सबसे बड़ा जो समाधान, जो माननीय लाहौटी जी भाई साहब ने जितना विस्तार से आज समझाया है, मैं समझता हूँ कि जैसे एक कोई प्रोफेसर अपने टीचर के रूप में शिक्षकों को, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सामने बिठा के पढ़ा रहा हो, इस तरह से आपने एक एक समस्या को, और गुरुदेव की किताबों को आपने बहुत गहराई से पढ़ा है, आपने उसको समझाया है। मैं उन सब पर बार बार विचार नहीं करना चाहता, मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूँ, चाहे बहुप्रजनन की समस्या हो, चाहे घिचपिच होते हुए शहरों की समस्या हो, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों, और चाहे वो शिक्षा में हो गई दुर्गति, शिक्षा का बाजारीकरण उसकी समस्या हो, चाहे नशेबाजी की समस्या हो, और चाहे वो नारी जाति के प्रति हो रहा शोषण, अपराध, बाल भ्रूण हत्या, जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान केवल एक ही है मित्रों, वह हमारे गायत्री परिवार की विचारधारा और कुछ नहीं। गायत्री परिवार की विचारधारा को सारे विश्व को, सारे देश को, सारे विश्व को जीवन में उतारना पड़ेगा, और उसमें कहीं कोई फिरका परस्ती नहीं है, कहीं कोई संकीर्णता नहीं है, सारा के सारे विश्व के लिए समाधान है, सारे के सारे विश्व के लिए। गायत्री सबके लिए है, गायत्री सार्वभौम है, आद्य शक्ति है, और गायत्री का चिंतन हर एक के लिए है। एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप कौन सी प्रार्थना को सार्वभौम समझते हैं, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई प्रार्थना के लिए कहा जाए चुनने को, तो मैं गायत्री मंत्र को सार्वभौम प्रार्थना कहूंगा, क्रिश्चियनिटी भी उसको दोहरा सकती है और मुस्लिम भी उसको दोहरा सकते हैं आफ्ताब की प्रार्थना कहते हुए। मित्रों, जब इतनी बड़ी प्रार्थना गायत्री मंत्र की प्रार्थना के रूप में हमारे पास सार्वभौम है और हमारे पास जीवन शैली है, तो हम क्यों नहीं इसको जीवन में उतारें, हम क्यों ना इन समस्याओं का समाधान खोजें जो आज सारे भारत में, सारे विश्व में छाई हुई हैं। और इन समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो है वैचारिक समाधान, विचार क्रांति, क्रांतिकारी चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव ने क्रांतिधर्मी साहित्य की 22 किताबें लिखी 88, 89 और 90 में, उसमें ये किताब भी उसी किताब में से है जो आपके सामने आदरणीय लाहौटी जी ने सुनाई। उन्होंने कहा है कि पूछा जाता है कि उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए क्या करना होगा, यदि प्रश्न का सही उत्तर चाहिए तो एक ही हो सकता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन। और दृष्टिकोण का परिवर्तन जो है, चाहे वो प्रत्यक्षवाद से उपजी समस्या हो, चाहे वो विज्ञान की अंधाधुंध प्रगति के माध्यम से उपजी समस्या हो, और चाहे धर्म के अंधाधुंध ढकोसलों में उलझ जाने के कारण हुई समस्या हो, ये सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, यदि हम अपनी आस्थाओं का परिष्कार कर लें। आस्थाओं में परिवर्तन, आस्थाओं में एक प्रकार से विचारों में परिवर्तन, और हम अपने जीवन को एक प्रकार से नए सिरे से ढालने की कोशिश करें। एक दीपक हमारे गुरुदेव ने जलाया और उस दीपक के जलाने की प्रक्रिया ये हुई कि हजारों दीपक जलते चले गए। अपने आप से, अपने आत्म सत्ता से चालू होती है ये यात्रा, ये विजय यात्रा यहाँ से चालू होती है। जो यहाँ से चालू शुरू करता है वो बदलता चला जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए हम और आप दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। दिल्ली बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की नगरी है। इंटेलेक्चुअल्स की नगरी में हम लोग आए हैं आपके बीच में बोलने के लिए, तो हम आपको एक ही बात कहने आए हैं कि आप यहाँ आए तो आपने बहुत अच्छा किया। आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ से एक बीज लेकर के जाएंगे जब, तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। जब कोई धार्मिक पुरुष कोई आता है, आध्यात्मिक पुरुष कोई आता है, और मेरी तारीफ में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं आदरणीय लाहौटी जी भाई साहब ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु का एक शिष्य हूँ, छोटा सा छोटा शिष्य, और छोटा सा शिष्य होने के नाते मैंने उनके संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके संदेश को, बस अपना कुछ नहीं है, उन्हीं का संदेश है। भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, बुद्ध के शिष्य ने उनसे कहा कि भगवान आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, और शादी तय हो गई है, लड़का भी बहुत सुंदर है और लड़की भी बड़ी हो गई, आपने देखा नहीं, आपकी गोद में खेली है। तो बुद्ध ने कहा मुझे मत बुलाओ भाई, आप लोगों ने मुझे दिल्ली बुलाया इसलिए बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये बात कह रहा हूँ मैं, मुझे मत बुलाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर।
बोले शादी में गड़बड़ हो जाएगी, आप आएंगे इतने बड़ा शुभ आपका आना, आपकी वजह से न जाने कितनों को आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों मुझे नहीं मालूम कि आध्यात्मिक महापुरुष कहाँ कहाँ जाते हैं, किसके जाते हैं, पर्वों में, उत्सवों में, शादियों में जाते हैं कि नहीं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं स्वयं कहीं नहीं जाता, किसी की शादी में नहीं जाता। वो बुद्ध ने कहा कि मैं गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पिता ने फिर कहा, श्रेष्ठी थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी है, क्या गड़बड़ हो जाएगी। बोले सोच लो, फिर से एक बार सोच लो। बोले नहीं, आप पधारे। बोले ठीक है, आ जाएंगे, जो होगा तुमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जब पहुंचे बुद्ध तो वहाँ वो लड़का जो था वो अनिंद सुंदरी, उसकी जो होने वाली पत्नी, उसकी तरफ देखे जा रहा था। लड़का भी बहुत स्मार्ट, हैंडसम, देखने में अच्छा, उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसका सारा नशा उसी में था पूरा का पूरा, कब शादी होगी, कब विवाह होगा, कब हम दोनों का मिलन होगा। उसने न जाने कैसे, लड़की ने पहले प्रणाम किया बुद्ध को, और जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, बुद्ध से उसकी आंखें मिली, और बुद्ध से उसकी आंखें मिलने के बाद उसको लगा उस सौंदर्य से बड़ा सौंदर्य तो सामने खड़ा है। ये सौंदर्य, ये फिजिकल ब्यूटी उसके सामने क्या है। तुरंत वो सामने उसके चरणों में लेट गया, और वहां उस दिन विवाह तो हुआ, पर विवाह होने के बाद उन दोनों को संन्यास भी मिला, और दोनों के दोनों बौद्ध भिक्षु होकर के वहां से चले गए। बुद्ध ने कहा था, मुझे मत बुलाना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने दीक्षित जी से कहा, इस सभा में, दिल्ली के लोगों की सभा में, मुझसे कहने को तो कह रहे हो, पर कहने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाए तो मत बोलना। मित्रों आप सब गायत्री के साथ जुड़ जाओगे ऐसा मुझे लगता है, और जुड़ गए तो परिवर्तन हो करके रहेगा, निश्चित रूप से परिवर्तन हो करके रहेगा। ये आज की हमारी जो शाम है, विशेष इसलिए है क्योंकि गुरुदेव का कल जन्मदिन है फिजिकली, और हम और आप मिलकर के इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसी काम को हम लोग मिलकर के पूरा करें। आइए, मैं शेर व शायरी जानता नहीं हूँ, पर आदरणीय भाई साहब ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं एक छोटा सा सुना के आपको बात समाप्त करूँगा। कितनी ही चौड़ी हो अंधेरे की छाती, कितनी ही चौड़ी हो अंधेरे की छाती, याद रखना रोशनी का नन्हा दिया मूंग छाती पर दलेगा। कितनी ही चौड़ी हो अंधेरे की छाती, याद रखना रोशनी का नन्हा दिया, छोटा सा नन्हा दिया खड़ा होता है तो वो कहता है कि मैं आ गया तो अब चिंता मत करो, मैं अंधेरा मिटा करूँगा, भले थोड़ा 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 करके मिटाता है। एक आदमी अंधेरे जंगल में घुसा, उसने पूछा भाई पार करना है कुछ है क्या, बोले हाँ दीपक है, लो ले जाओ। बोले कितनी दूर तक लाइट जाती है, तो प्रकाश इतनी दूर तक जाता है। बोले ठीक है रहने दो, मैं रात को यहीं सो जाता हूँ, कल जाऊँगा। दूसरा आया, दूसरे ने कहा कहाँ तक प्रकाश जाता है, बोले अपने आसपास तक जाता है। बोले ठीक है जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ प्रकाश लेके जाऊँगा। मित्रों वो चला और प्रकाश लेके चला, और आखिर तक प्रकाश लेता हुआ चला गया। मित्रों ऐसे प्रकाश के संवाहक, प्रकाश पुत्र बनना है हम सबको। ये प्रकाश पुत्र यदि बन जाएंगे तो देखते देखते उजाला आ जाएगा। एक और अंत में बता रहा हूँ मैं आपको, पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा। तम है चारों तरफ, तम ही तम, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, न जाने कितने स्पेक्ट्रम, ढेर सारे घोटाले घोटाले, चारों तरफ तम ही तम है, चारों तरफ गड़बड़ी गड़बड़ है, गवर्नेंस कहीं है नहीं, दिखाई नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर निर्णय दिए जा रही, पर इसके बावजूद भी कोई हिलता नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में तम का पर्वत कैसे हिलेगा। पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा, अरे एक दीपक तो जलाओ प्रश्न का उत्तर मिलेगा, एक दीपक तो जलाओ प्रश्न का। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब को। भाइयों मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि श्रद्धेय पंड्या जी व्यक्ति नहीं विचार हैं, युग्मनिर्माण योजना के वर्तमान सूत्रधार हैं, विश्वव्यापी विभीषिकाओं हेतु ज्ञान की तीक्ष्ण धार हैं। अशक्ति अभाव अज्ञान से तप्त मानवता को विचार क्रांति की शीतल रसधार हैं। देश विदेश की तरुणाई को दिशा हेतु आदर्श अनंत शक्ति के ज्वार हैं श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी व्यक्ति नहीं विचार हैं। और इसी के साथ अगले क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी बहन डॉक्टर दीपिका शर्मा और रत्ना गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु कृपया यहाँ लेकर पधारें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे सम्माननीय अतिथि
विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी, और जिनके उद्बोधन का हमने पूरी तरह लाभ लिया, प्रेरणा पाई, ऐसे हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय माननीय श्री रमेश चंद्र लाहोटी जी, आपको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्रतीक और प्रतिनिधि, क्रांति की धधकती लाल मशाल, थाम लो भारत माँ के लाल, क्रांति की जलती लाल मशाल, ऐसा प्रतीक प्रतिनिधि जो हमको सदा ही संगठित होने, श्रेष्ठ कार्य करने, अपनी आभा और प्रतिभा को जगत के कोने कोने तक व्याप्त करने की प्रेरणा प्रदान करती है। विचार क्रांति की यह पावन मशाल हमारे सभी पधारे हुए अतिथियों को प्रदान की गई, और इसी के साथ में कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं हमारे आदरणीय प्रदीप दीक्षित जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो इस आयोजन के प्रति, हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथिगण और हमारे सभी सम्मानीय भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करें और आगामी सूचनाएं आप तक पहुंचाएं। आने वाले 6 से 10 नवंबर तक 2011 तक संपन्न होने वाले जन्म शताब्दी महोत्सव का आमंत्रण भी आपको दें आदरणीय प्रदीप दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी भाई साहब। यहाँ पर आज यह कार्यक्रम का केवल समापन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया संकल्प सबके मन में उभरा हुआ है। और चूंकि यह आयोजन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विशेष प्रार्थना पे, हमारे दिल्ली के परिजन कई बार उनके पास गए, और नवंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम होने जा रहा है, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की व्यस्तता रही, विदेशों के कार्यक्रम भी रहे, लेकिन दिल्ली के ऊपर उनकी विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है, और दिल्ली वासियों के प्रेम और स्नेह को देखते हुए उन्होंने यह कार्यक्रम हम सबको दिया। NCR गायत्री परिवार श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी है। हम आभार व्यक्त करते हैं न्यायमूर्ति माननीय श्री RC लाहोटी जी का, जिनकी विनम्रता, एक पारिवारिकता देखा, जब भी मैं गया तो एक जैसे परिवार का सदस्य होता है, उस तरह से उन्होंने ये नहीं माना कि कोई संस्था में जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस तरह से अभिव्यक्ति की कि एक परिवार के कार्यक्रम में जा रहे हैं। ऐसा ही स्नेह सद्भाव आगे भी उनसे प्रेम स्नेह मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। गायत्री परिवार उनका आभारी है। हम आभार व्यक्त करते हैं NCR की ओर से न्यायमूर्ति माननीय डॉक्टर ज्ञान सुधा मिश्रा, जो जब भी जानकारी मिली है कि जब भी गायत्री परिवार उन्हें आमंत्रित करता है, बंबई के कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति रही, और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी दी कि शायद अब उनकी झिझक खुलती जा रही है, और गायत्री परिवार से उन्हें एक आत्मीयता सी लगाव भी उन्हें महसूस हो रहा है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति आभार ज्ञापन करते हैं। हम आभार करेंगे आदरणीय हमारे KP दुबे जी भाई साहब, संगीत की जो टोली आई हुई है शांतिकुंज से, EMD की टोली जो यहाँ पहुँची हुई है, उन सभी भाइयों का हम आभार व्यक्त करेंगे गायत्री परिवार NCR की ओर से। साथ ही साथ यह कार्यक्रम NCR का था, और पहले, इससे पहले फरवरी माह में एक बात उठी थी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, जिसकी कैपेसिटी है 1.25 लाख की, 1 लाख की, तो हम माफ़ी भी चाहेंगे अपने सदस्यों से, गायत्री परिवार परिजनों से, जिनकी बहुत बड़ी नाराजगी, क्योंकि किसी को सूचना नहीं दी, इसलिए नहीं दी गई कि ये था कि भाई कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली के नए व्यक्ति हम यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े थे। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, मुरादनगर, मोदी नगर, बागपत, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उनसे भी हमारे नए नए परिजन आए हुए हैं, जो पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं, उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आगे भी उनसे सहयोग मिलता रहेगा ऐसी कामना करते हैं।
हम आभार व्यक्त करेंगे जिन भाइयों के माध्यम से, जिनके सहयोग से यह स्मारिका जो आपके पास पहुंची है बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही अल्प समय में, लेकिन उनके मन के भाव थे कि आचार्य जी की जन्म शताब्दी है और हम सब की अभिव्यक्ति का माध्यम है यह स्मारिका, और कम से कम समय में, बहुत कम समय में हमारे अग्नोत्री जी भाई साहब हैं, राजपाल जी हैं, भास्कर लाल जी हैं, और भी हमारे कई भाई हैं जिनके सहयोग से ये 5-6 दिन के अथक प्रयास से रात रात भर जगे हैं, दिन दिन भर जगे हैं, और पूरी टीम उसमें काम की है। संजय तवर जी रहे हैं और साधना चुग रही हैं, और भी सभी भाई हैं जिनका बहुत बहुत सहयोग मिला है, उनके भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उनके सहयोग से यह स्मारिका आप सब तक पहुंची है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे NCR की है वो है ताकत हमारी, वो है शक्ति हमारी, और वो शक्ति है युवा शक्ति। बहुत बड़ा वर्ग हमारे युवा भाइयों का उभर के आया है, अन्ना आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका हमारे भाइयों ने भूमिका निर्वाह की है, तो गायत्री परिवार यूथ ग्रुप और दिया के नाम से हमारे यह संगठन काम करते हैं। जो भी व्यवस्था आप यहाँ पे देख रहे हैं, भाग दौड़ करने का काम और सारी व्यवस्था का काम, ये सारा सारा हमारे उन युवा साथियों का है, और भविष्य में दिन दूना रात चौगना उत्साह से ये युवा शक्ति हमारे साथ काम करेगी और मशाल थामेगी परम पूज्य गुरुदेव की, और क्रांति का दावानल पैदा कर देगी, ऐसा विश्वास है। हम आभार व्यक्त करेंगे समस्त नारी जागरण जो बृहत्तर दिल्ली की हमारी बहनें हैं, जो कदम से कदम मिला के एक कदम आगे ही रहती हैं भाइयों से, और बहुत बड़ा सहयोग उनका हमें मिलता है, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंत में हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे समस्त NCR गायत्री परिवार का जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका। यहाँ पर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, भाई बंधु हैं, उनका बहुत आभार जो है उनके प्रति भी ज्ञापन करेंगे जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दुबे जी को आगे की जानकारी हमारे दुबे जी भाई साहब देंगे। एक प्रार्थना है कि ये स्मारिका और जो पैकेट्स हैं बाहर गेट पे रखे हुए हैं, और कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था बनाइए जो गेट पे बाहर जाते समय आप सभी जो है जिस गेट से प्रस्थान करेंगे वहाँ पे जलपान ले जो है वहाँ से लेके अवश्य जाएंगे। आगे का क्रम हमारे आदरणीय दुबे जी भाई साहब, धन्यवाद। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दीक्षित जी को जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है, और आइए ये विचार हमारे मस्तिष्क में क्रांति बनकर विकसित हो और सारे भूमंडल पर छा जाए, इसी भाव के साथ में भगवान की दिव्य चेतना से हम ईश्वर से प्रार्थना करें शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ॐ शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांतिकुंज हरिद्वार की। एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। विचार क्रांति अभियान।